Thank you जरूर बताइएगा क्या आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक आ रहा है क्या देन वी विल स्टार्ट आर लेक्चर नंबर वन सी ए इंटर ऑडिट फास्ट्रैक मैं कमेंट्स भी देख लेता हूं राम राम जी शुभम मित्तल राम राम बोल रहे हैं शुभ मिश्रा बोल रहे हैं नोटबुक वगैरह ही बनानी है क्या कुछ नहीं बनाना सारे नोट्स मैं बनाकर दूंगा आपको आपको मल्टीपल रिवीजन करना है एक रजिस्टर लेना है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ठीक है हाँ सर आप स्मार्ट भी लग रहे हो थैंक यू शुभम मित्तल जी बहुत बहुत धन्यवाद तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक बातों से ठीक है एक बार आ जाओ और जरा मुझे ये भी बता दो कि आ, कोर्स के अंदर कितने बच्चे एनरोल्ड हैं क्या वो बच्चे आज लाइव देख रहे हैं या जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देखने वाले हैं वो रिकॉर्डिंग ही देखने वाले हैं कार्तिक राठी जय श्री राम जय श्री राम फास्ट ट्रैक में सारे चैप्टर और सारे कंसेप्ट कवर होंगे ना हाँ जी बिल्कुल सारे कंसेप्ट कवर होंगे सारे चैप्टर कवर होंगे कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा फास्ट ट्रैक के अंदर ठीक है जी वानम सर वनाकम सर माही बोल रहे हैं ये वनाकम वनाकम शायद नमस्ते ही होगा तो नमस्ते जी आ, नहीं जी विवेक यादव जी फ्री भगवान का नाम है राम राम वो आप ले सकते हैं बाकी लेक्चर सारे पेड़ हैं तीन लेक्चर फ्री हैं यूट्यूब पर वेरी एक्साइटेड फॉर फास्ट ट्रैक बैच आई एम आई एम सुपर एक्साइटेड कि आप लोगों के साथ मेरा भी एक्साइटमेंट लेवल उतना ही जबरदस्त है जैसा आपका है एक बार एक काम करते हैं पोल ले लेते हैं और जो बच्चे एनरोल्ड है ना वो अपना नाम जरूर लिखें क्योंकि फिर क्या है ना आप लोगों के साथ आज से ही हम एक नया माहौल बनाएंगे क्योंकि आपके साथ ही तो मुझे रहना है आप एक बार बताना जरा कितने स्टूडेंट हैं अपना नाम भी लिख देना मैं कोशिश करूंगा थोड़े से नाम आज से याद रखना प्रणाम जी प्रणाम एक बार जरा पोल पे जरा रिप्लाई करो फिर चर्चा स्टार्ट करेंगे आज की आयुष इस कोर्स के अंदर मैं अभी सारा बेसिक डिस्कशन करने वाला हूं अगर आप देख लीजिएगा आपकी क्वेरी का अगर आप वहां से रिप्लाई मिलता है तो ठीक है शुभ मिश्रा शोभित मिश्रा शुभ मिश्रा आकाश तिवारी जी एनरोल्ड हैं। डिफरेंस बिटवीन फास्ट ट्रैक एंड मैराथन बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। अभी पता चल जाएगा तीन क्लास देखने के बाद। सैयक एनरोल्ड है आयुष आयुष गोयल चलो जी अभिषेक मोहपात्रा एनरोल्ड हैं है ठीक है ठीक है अपन करते हैं बात तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन लेकर आ रहा हूं जल्दी जल्दी कुछ बातें बातें डिस्कस करूंगा थोड़ा स्पीडली करूंगा क्योंकि वो कम रेलिवेंट है क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी ठीक है तो, तो एक बार देखो जरा सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है सीए इंटर फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर कुछ बेसिक बातें फटाफट से क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मुझे नहीं जानते तो वो जानना चाहते हैं भैया हमारे टीचर कौन है अच्छा स्लाइड में आपको कुछ गड़बड़ दिख रहा है स्क्रीन पे इसको मैं ठीक कर लूंगा ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है वहां आके कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो मेरे बारे में अगर आप कुछ जानना चाहें तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि मैंने अपनी आर्टिकलशिप जो है वो एसएस कोठारी मेहता इन कंपनी से की थी जो कि टॉप टेन सी ए में आती है उसके बाद मैंने बिग फोर के साथ काम किया था सिक्स टू सेवन इयर्स एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग टू सी स्टूडेंट्स और अभी तक तकरीबन तकरीबन टेन थाउजेंड प्लस मेरे स्टूडेंट्स हैं एनरोल्ड हैं और इंडिया का बेस्ट रिज़ल्ट आता है इंटर का फ्रॉम लास्ट थ्री ये मैं बोल नहीं रहा हूँ ये आप आराम से जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं जो मेरी फीस है वो मार्केट की फीस से तकरीबन सिक्सटी या सेवेंटी परसेंट है रिजल्ट मेरा वन सिक्सटी परसेंट है ठीक है या टू हंड्रेड परसेंट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंपेयर इट आप अच्छे से देख लेना बाकी आपके सामने स्क्रीन पे है कुछ बेसिक बातें उसके अलावा आई हैव डन लाइक मोर देन फिफ्टी क्लाइंट्स एज ए टीम लीडर उसके इस अब फास्टर के तो मैं इन सब चीजों पे ज्यादा बात नहीं करूंगा माय स्टूडेंट अचीव्स ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स एज वेल ठीक है जी ये अभी इस अटेम्प्ट के रैंकर हैं ए आई आर टू जो कि यश दोषी हैं इन्होंने सारे यूट्यूब लेक्चर्स देखे हैं जिनका इंटरव्यू भी यूट्यूब पे अवेलेबल आप देख सकते हो इलेवन इलेवन टोर्टी नाइन और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेवेंटी प्लस मार्क्स लिए हैं ये हमारे पुराने ए आई आर है सुदीप्ता ऑल ओवर इंडिया रैंक थ्री ऋतिक खेतान ऑल ओवर इंडिया रैंक थ्री माधव फोर माधव ने भी क्लासेस कहीं और से ली थी पूरा यूट्यूब मेरा देखा था एंड ही रियली गिव मी दी अपॉर्चुनिटी टू मेंशन हिज नेम इन द बैनर हर्षित मुंजाल मेरे रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट है ऑल ओवर इंडिया रैंक फोर अक्षय ऑल ओवर इंडिया रैंक सिक्स चकित ऑल ओवर इंडिया रैंक सिक्सटीन वरुण गुप्ता ऑल ओवर इंडिया रैंक एटीन ये मेरे फरीदाबाद के फेस टू फेस बैच हालांकि इन्होंने पेन ड्राइव ली थी वहाँ के स्टूडेंट है सौरभ नाइनटीन मयंक शर्मा नाइनटीन मयंक मिश्रा ट्वेंटी टू सिमरन 23, शुभम अग्रवाल ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आए थे इनके उस अटेम्प्ट में ऑल ओवर इंडिया रैंक 23, सक्षम 28, अरशद अर्शद खान 28, एट सी धीरज अग्रवाल ये सीए फाइनल में इनका रैंक आया था साहिल मुंजाल 29 अगेन साहिल इज फ्रॉम फरीदाबाद प्रिंस प्रिंसिया क्लासेस वहां से है ये इन्होंने रेगुलर बैच लिया था सिया मक्कर वासुदेवा थर्टी सेवन चेरी भालोटिया आदित्य शर्मा 40 नीरज गुप्ता 44 सौरभ गोयल 44, भावेश शर्मा 49 और अगला रैंक होगा आपका अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रैंक के लिए ये ऋतिक खेतान का ऑल ऑफ इंडिया रैंक आया था तब का है ये और उसके अलावा ये जो कोर्स एप्लीकेबल है फास्ट के ट्वेंटी एग्जाम और ट्वेंटी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस हंड्रेड परसेंट सिलेबस मैं आपको ये बता देता हूँ हर एक कंसेप्ट को कवर करेंगे हंड्रेड परसेंट कवर करेंगे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं उसके अलावा ये कुछ बेसिक है एग्जाम पैटर्न अब देखिए मैं एक यहाँ पे बेसिक बातें हैं एग्जाम पैटर्न को लेके मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोर्स बच्चे लेने वाले हैं ये ज़्यादातर तो रिपीटर स्टूडेंट लेने वाले हैं अगर आप फर्स्ट टाइम ये कोर्स पढ़ ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि track, देखो, नाम में ही फास्ट ट्रैक है इसका मतलब मैं सिक्सटी आवर्स करवाने वाला हूँ अप्रोक्सिमेटली सिक्सटी आवर्स तो जो एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मैं आप लोगों को देता हूँ एक प्रैक्टिकल लाइफ का जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं आपको जो बिजनेस करना सिखाता हूं जो इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं वो इस वाले कोर्स में मिसिंग रहेगा काफी बच्चे जानना चाहेंगे सर फास्ट ट्रैक और रेगुलर के अंदर क्या डिफरेंस है तो यार फास्ट ट्रैक कोर्स जो है ना वो एक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है कि जो बच्चे गलती से मान लीजिए इस बार अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दिया था फेल हो गए अब उनको एक प्रॉपर पुश चाहिए अच्छे से सारा रिवीजन करना है प्रैक्टिकली समझना है और वो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं 60 70 नंबर वो भी स्कोर कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपने एक बार बेसिक पढ़ रखा हो या एक बार आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस कोर्स की तो ये वाला फास्ट ट्रैक कोर्स मैं किसी भी ऐसे स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करता हूं जिसने आज तक ऑडिट नहीं पढ़ रखा है एक बार या जिसको बेसिक ऑडिट का नॉलेज नहीं है उसके लिए ये कोर्स नहीं है हेलो एक स्टूडेंट बोल रहा है ऑडियो नहीं आ रहा है जरा प्लीज कंफर्म कीजिए वेदर ऑडियो इज क्लियर और नॉट जल्दी से बताइएगा राघव ने एक ही बच्चा बोल रहा है कि ऑडियो अवेलेबल नहीं है प्लीज जस्ट लेट मी नो वेदर ऑडियो इज क्लियर और नॉट तो जो ये कोर्स है ये मैं ऐसे किसी भी स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करता जिसने आज तक ऑडिट नहीं पढ़ा है आपको रेगुलर कोर्स देखना चाहिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि भैया किस लेवल पे जाके हम लोग पढ़ाई करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ने वाले हो ना ही आपने इसको में में पढ़ा ना ही 12th में पढ़ा ना ना ही ही इंटर ग्रुप वन में आपको कोई आइडिया है तो मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो रेगुलर कोर्स के साथ जाए बेस क्योंकि उसमें आपका बहुत स्ट्रॉग किया जाएगा और आपको कहीं ना कहीं आर्टिकलशिप के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा तो आप वहां पे काफी तरह से तैयार होते हो आपका सब्जेक्ट भी तैयार होता है आपका आर्टिकलशिप के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चलता है आपको मार्केट और बिजनेस के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स तो आते ही है वो एक अलग चीज है ये जो स्पेसिफिक फास्ट ट्रैक है दिस इज ओनली फॉर एग्जाम ओरिएंटेड कि भैया मैं सर फेल हो गया एक बार मुझे अब आप फटाफट से पास करवाओ और मुझे साठ सत्तर नंबर दिलवाओ और मैं आगे चलता हूं उसके बाद एग्जाम पैटर्न बेसिकली आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा जब हम एक बार ऑलरेडी हम सीए के पेपर दे चुके हैं तो हमें पता ही होगा कि यार एग्जाम पैटर्न क्या क्वेश्चन आएंगे हमारे तीस नंबर के एमसीक्यू आते हैं जिसके अंदर आप आराम से अट्ठाईस से तीस नंबर स्कोर कर सकते हैं मतलब पूरे हंड्रेड परसेंट मार्क्स आप एमसीक्यूज के अंदर स्कोर कर सकते हैं उसके अलावा उसके अलावा हमारे डिवीजन बी आता है जिसके अंदर टोटल सिक्स क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर वन हमारा कंपलसरी होता है जहां पे हमारे करेक्ट इन करेक्ट आते हैं दो दो नंबर के साथ जो कि हमें मार्क्स मिलते हैं जिसके अंदर ये मैंडेटरी होता है आप सोच रहे होंगे थर्... जो बच्चे को फर्स्ट टाइम देख रहा है थर्टी मार्क्स के एमसीक्यू फोर्टीन मार्क्स के करेक्ट इन करेक्ट मतलब फोर्टी फोर मार्क्स का पेपर तो हमारा मखन आएगा लेकिन वो पेपर तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगी आपको सब्जेक्ट का बेस पता होगा तब वो आपके लिए मक्खन होगा अदरवाइज वो आपके लिए खिचड़ी होगी ठीक है उसके अलावा हमारे पास फाइव क्वेश्चन बचते हैं जिसमें से आपको कोई चार अटेम्प्ट करने होते हैं फोर फोर थ्री थ्री मार्क्स के वो क्वेश्चन हमारे रहेंगे तीन तीन या चार चार मतलब जो एग्जाम पैटर्न पहले आता था आईपीसीसी के अंदर क्योंकि ये वीडियो वो भी बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे जो आईपीसीसी से इंटर के अंदर आ रहे हैं आईपीसीसी के अंदर पांच पांच नंबर के क्वेश्चन भी आते थे इवन पहले तो छे, छे नंबर के क्वेश्चन भी आते थे इंटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है इंटर के अंदर आपसे स्ट्रेट कंसेप्ट पूछेगा प्रैक्टिकल लाइफ के आपको केस एप्लीकेशन देगा और आपको आंसर लिखना पड़ेगा मतलब आप कुछ रामायण या कुछ लप्पे या कुछ रट्टा के बेस पे वहाँ आंसर नहीं दे पाएंगे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सही आंसर देना होगा तीन से चार नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे तो ये था एक आपका एग्जाम पैटर्न अब आपकी क्वेरी हो सकती है सर हमें बुक कितनी मिलेगी आप लोगों को टोटल चार बुक मिलेगी जो कि मैं अपने रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट को भी देता हूं जिसमें आपको दो मेन बुक मिलेंगी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा एक एमसीक्यू बुक मिलेगी उसी के अंदर करेक्ट भी होंगे मतलब जो regular course का पूरा set होता है वो आप fast track वाले students को भी मिलेगा ये cover page मत देखना क्यों क्योंकि cover change होते रहते हैं तो अब जब आपको ये बुक मिलेगी हो सकता है ऊपर के कवर्स बदल जाए अंदर का कंटेंट इंपोर्टेंट है कवर तो हम भैया डिजाइन है चेंज करते रहते हैं तो आपको ये चारों तो मेन बुक मिलने वाली है ठीक है सर इसके अलावा क्या मिलेंगे इसके अलावा जितने भी हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ते हैं ना आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो ये बेसिक बात है आपको पता है तो जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट हम पढ़ने वाले हैं सभी के आपको हैंड रिटन चार्ट मिलने वाले हैं उसके अलावा सभी पूरा मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू का एक बड़ा आपको चार्ट मिलने वाला है जिसके अंदर सभी कंसेप्ट कवर होंगे समरी मैनर में उसके अलावा चैप्टर्स की समरी में आपको देने वाला हूं इन नटशेल मैं पहले एक नोटबुक बनवाता था बच्चों से और समरी स्टूडेंट्स बनाते थे अब वो मैंने चेंज कर दिया पैटर्न अब समरी मैं ही आपको बना के दे रहा हूं बेसिकली आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाना सारे नोट्स मैं दूंगा आपको मेन बुक भी मैं दूंगा समरी बुक भी मैं दूंगा चार्ट भी मैं दूंगा लिमिट बेस्ड चार्ट भी मैं दूंगा एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय माय साइड सर फिर हम क्या करें आपको क्या करना है आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसको रिवाइज करना है राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं सारी लेक्चर के अंदर आपको समझाऊंगा तो आपको रिविजन करना है और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है बस, करना है, है। बस करना है और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है दो चीजें लिखो रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस उसके अलावा कुछ नहीं फटाफट से लिखो रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस फटाफट से रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस बस सारे नोट सब कुछ मैं दूंगा ठीक है जी ये चार बुक्स की बात हो गई उसके अलावा दिस स्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक क्रोमा गलत कटाया स्क्रीन का इसने ब्लैक को वाइट कर दिया है तो अगली बार हम ये याद रखेंगे मेरी स्क्रीन पे बिल्कुल सही आ रहा है लेकिन वहां जाके थोड़ा चेंज हो रहा है अभी आपके लिए बेटा मैं ये फुल स्क्रीन पे डाल रहा हूं क्योंकि यहां पे क्रोमा सही है हमारा देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन है आपके लिए यहां पे कंसेप्ट क्वेरी का नंबर चेंज हो गया है रिवीजन एंड राइटिंग जी हाँ यहाँ पे कंसेप्ट क्वेरी का नंबर चेंज हो गया है सभी बच्चे ध्यान दें जो अभी तक में 2022 के बिगनिंग तक जो हमारे नंबर्स थे वो सारे चेंज हो गए हैं इस स्क्रीन पे जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं सब चेंज हो चुके हैं तो ये स्क्रीन का फोटो ले लो फटाफट से कंसेप्ट रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको तो आपको भेजना है नाइन टू एट नाइन फाइव ट्रिपल नाइन वन जीरो दोबारा बता रहा हूं नाइन टू एट नाइन फाइव ट्रिपल नाइन वन जीरो अगर आपको कोई भी आईटी इश्यू आता है तो आपको अपना ईमेल चेक करना है वहां पे एक नंबर दिया होगा और ध्यान रखना, उस नंबर पे सिर्फ आपको वॉट्सअप करना है काफी टाइम पे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है यह बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बोलने वाला हूँ काफी टाइम पे मैंने स्टूडेंट को देखा है वो टेक्निकल टीम को फोन कर रहे होते हैं जब उनका सॉफ्टवेयर नहीं चलता फिर वो मुझे फ़ोन लगाते हैं कपिल सर मैंने कहा हाँ जी बेटा बताओ सर आपकी टेक्निकल टीम हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रही सर पता नहीं कैसी टीम है आपकी सर तीन दिन से ट्राई कर रहा हूँ सर सर मेरे लेक्चर नहीं चल रहे सर सर मेरा टाइम खराब हो रहा है सर सर मेरे एग्जाम है मैंने कहा बेटा तेरे को लेक्चर वन में भी बताया था कि टेक्निकल टीम को फ़ोन नहीं करना होता व्हाट्सअप करना होता है और तुम्हारी ईमेल में ओ ओ सर सॉरी सॉरी सर मैं भूल गया भूल गया सर भैया ये गलती नहीं करनी है टेक्निकल टीम को सिर्फ व्हाट्सअप करना है फिर वो आपको कॉल बैक करेगी आपको बताएगी कैसे आपकी प्रॉब्लम सोल्व करनी है अगर आपको सॉफ्टवेयर के अलावा कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत है आपका ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू है कोई बुक से रिलेटेड कोई दिक्कत है कोई भी अदर क्वेरी देखो अगर मेरे तक आपको अपनी बात पहुंचानी है और मेरे को सिर्फ अपनी कंसेप्ट रिलेटेड डाउट ही लेके आना अगर आपकी प्रॉब्लम बाकी लोग ना सोल्व कर पा रहे हो तो फिर आप दोबारा मेरे तक आ सकते हो उसके अलावा कोई आपको दिक्कत है आप प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो आप किसी दूसरी चीज के बारे में जानना चाहते हो तो नंबर सारे चेंज हो गए हैं तो अदर अगर आप कोई भी क्वेरी है तो नाइन टू एट नाइन फाइव ट्रिपल नाइन जीरो वन ट्रिपल नाइन जीरो वन जीरो टू अभी जीरो वन जीरो टू वर्किंग होगा उसके बाद जीरो नाइन जीरो नाइन जो है वो अग्रीमा मैम के पास है और वन जीरो जो है वो मेरे पास है ये सारे नंबर सेम है अगर आप देखेंगे तो नाइन टू एट नाइन फाइव ट्रिपल नाइन वन जीरो जो नंबर है वो कंसेप्ट है जीरो नाइन अग्रीमा मैम के पास है जीरो टू आप हमारी एडमिन टीम से बात कर सकते हैं आई का नंबर आपको मेल पे आएगा इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आईसीआई की आर आती रहती है स्टडी मटेरियल अपडेट आता रहता है सर वो कहाँ मिलेगा अगर आप मेरे लेक्चर ले रहे हो काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं मेरे काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं मेरे जो मेरे लेक्चर नहीं लेते जैसे कि जैसे कि यार माधव ए आई आर फोर जैसे कि ए आई आर टू इस बार का यश वो पूरा यूट्यूब देखते हैं उनको भी तो मेरे नोट्स चाहिए तो देखो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको जहां से लेक्चर डाउनलोड करोगे ना वहीं पे ही सारा कंटेंट मिलेगा आज भी और फ्यूचर में जब जब कोई भी अपडेट आएगा वो आपके ड्राइव पे अपलोड होता जाएगा वहां से डाउनलोड कर सकते हो किसी स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर नहीं ले रखे बट वो मुझे फॉलो करता है फाइनेंशियली अवेबल नहीं है मेरा मैराथन देख रहा है बाकी सारी वीडियो देख रहा है उनको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं टेलीग्राम मेरे चैनल सीए कपिल गोयल पे यहां पे ऑडिट विद कपिल लिखा है टेलीग्राम चैनल का नाम सी ए कपिल गोयल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अमेंडमेंट वगैरह की सारी वीडियो कहां पे आएगी यूट्यूब चैनल सी ए कपिल गोयल जहां पे आप अभी ये शायद वीडियो देख रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक यूट्यूब पे आएगा ठीक है सर दिख नहीं रहा लो देखो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक यूट्यूब पे आएगा डेमो लेक्चर मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे अगर आपको लेक्चर परचेज करना है अगर आपको लगता है सर मैं एक इनडेप्थ पढ़ना चाहता हूँ आपसे लेक्चर परचेज करना चाहता हूं तो आप सी ए इंडिया डॉट ओ आर जी हमारी वेबसाइट है प्राइस वगैरह के रिलेटेड कोई भी क्वेरी मुझसे लेक्चर में ना पूछें आप वेबसाइट पर जाए या फिर आप वेबसाइट पर जाइए वहां पर आपको इंक्वायरी नंबर दिए होंगे आप उन इंक्वायरी नंबर पर भी बात कर सकते हैं तो ये स्लाइड का फोटो ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट रिलेटेड नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लो कि भैया कपिल सर कंसेप्ट रिलेटेड डाउट ठीक है उसके बाद ये बातें मैं बाद में करूंगा आपसे उसके बाद अब चलते हैं आगे अब आ जाता हूं मैं आपके सामने क्या मेरे को देख पा रहे हैं हां जी ये वीडियो यही रहेगा ये वीडियो आपका यही रहने वाला है ये वीडियो आपका कहीं नहीं जाएगा इस वीडियो को आप यहीं पे एंजॉय कीजिएगा अब मैं आपको जस्ट फॉर योर मोटिवेशन पर्पज ठीक है आप इसको किसी तरह से भी ले सकते हैं जो बच्चे मुझसे क्लास नहीं लेते वो इसको मार्केटिंग समझेंगे आप उसे मार्केटिंग समझिएगा लेकिन ये मैं जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ मेरा पर्पज मोटिवेशन है कि आप लोग समझें ये हमारे ए आई आर थ्री है ऋतिक वरुण गुप्ता जिनके एट्टी नाइन मार्क्स हैं ऑडिट के अंदर वरुण के कितने मार्क्स हैं एट्टी नाइन मार्क्स इन ऑडिट ठीक है ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एट्टी नाइन उसके अलावा सिमरन 77, सेवन नीरज 67, 44, 62 मार्क्स शुभम के 89, 83, 81, 77, 76, 73, 73, 73, 71, 70, 70, थ्री सेवनटी देखो सबके मार्क्स देखते चलो बस मतलब वी हैव स्टूडेंट्स इन 80s, 89, <coughs> 60s भरे पड़े हैं स्टूडेंट ठीक है उसके अलावा ये पिछली बार का रिजल्ट था इस बार का रिजल्ट इस बार का रिजल्ट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि इस बार ऑडिट में नंबर कम आए हैं ये कुछ रिजल्ट जो मैंने दो दिन का बनाया था उसके बाद बहुत सारे मैसेज आए मैं नहीं बना पाया ये देखिए इस बार ऑडिट में नंबर कम आए हैं अगर आप किसी भी स्टूडेंट ए के नंबर देख लीजिए आप सेवेंटीज में है उसके अलावा देखिएगा हमारे बच्चों के मार्क्स सेवेंटी मार्क्स ए आई आर ट्वेल्व सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव सेवेंटी फोर ए आई आर इलेवन सेवेंटी फाइव सिक्सटी इस बार नंबर नहीं आए ऑडिट में उसके बाद भी 69, 66, 5, 5, 64, 64. मतलब जहां पे इस बार बच्चों ने चालीस के लिए स्ट्रगल किया है ऑडिट में आप किसी से पूछना दिसंबर 21 का रिजल्ट कैसा था बच्चे कहेंगे भाई ऑडिट में चालीस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है वहां पे आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट 60 प्लस नंबर आपके सामने लेकर आए हैं इस बार हमने 59 वालों को रिवॉर्ड भी दिया है तो बेसिकली अगर आप ₹4000 क्लासेस पे खर्च करते हो और 60 प्लस लेके आते हो तो आप ₹5000 रुपीस तक के तो हम आपको रिवॉर्ड देते हैं तो मतलब ये क्लासेस लेना आपके लिए एक एक इन्वेस्टमेंट भी है नॉलेज के साथ-साथ तो ये मैंने आपको बेसिक बातें बताई ये मैंने आपको बेसिक बातें बताई अभी तक कुछ मेरे बारे में कुछ कोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर मैंने आपको बताए कुछ मैंने इसलिए बताया आपको कि भाई आप एक ट्रस्ट के साथ क्लासेस देखें अदरवाइज क्लासेस ना देखें तो अब यहां पे मुझे आपसे एक वादा चाहिए <coughs> अब यहां पे मुझे आपसे एक वादा चाहिए और वो वादा ये चाहिए कि अब से अभी से आप अगर मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो मुझ पर पूरा ट्रस्ट करेंगे और मैं जो बोलूंगा वो सारी बातें मानेंगे ये प्रोमिस आप मुझे कीजिए यहां पे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ये रिलायंस के एनुअल रिपोर्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं ये फ्लो ऑफ ऑडिट है अब मैं थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूं ये कुछ बातें मेरे को आपको दिखानी है वो मैं बाद में दिखाऊंगा आखिरी में दिखाऊंगा अब अपन मेन मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं आज की वादा रहा सर जी शुभ मिश्रा पूजा महेश्वरी अक्षिता अंकुर ऋषभ जैन इता सिंगल सया इत्रा तरुण गोयल माशा फुली ट्रस्टेड कपिल गोयल सर एक तो पानी की बोतल ले लो साथ में लेके बैठो बार बार क्योंकि आप क्लास के बीच में लेक्चर के बीच में उठना नहीं है ड्यूरेशन ऑफ ईच क्लास ऋषभ डिपेंड करता है कंसेप्ट के ऊपर जनरली आप मान के चलिए दो से ढाई घंटे का लेक्चर रहेगा लेकिन कोई लेक्चर हमारा तीन घंटे का भी हो सकता है कोई लेक्चर डेढ़ घंटे का भी हो सकता है इट्स डिपेंड आपकी और मेरी कितनी ट्यूनिंग सेट होती है उसके हिसाब से हम डिपेंड करते हैं लो जी वी ट्रस्ट यू सर प्रोमिस सर साहिल रुचित अच्छा जी तो एक काम करते हैं अब एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन कैसे पढ़ना है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पेन काम नहीं कर रहे है। दूसरा पेन यूज करके देखते हैं और कितने स्टूडेंट का अटेम्प्ट मे ट्वेंटी टू है वो भी बताना काफी बच्चों का अटेम्प्ट मे ट्वेंटी टू है तो मैं आपको बता रहा हूँ हमारी क्लासेस कैसे चलने वाली है और आपको क्या क्या करना है साथ साथ ध्यान से सुनिएगा स्टार्टिंग के टेन लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं ये एट भी हो सकते हैं ट्वेल्व भी हो सकते हैं फिफ्टीन भी हो सकते हैं सॉरी फिफ्टीन तो नहीं होंगे वैसे स्टार्टिंग के टेन लेक्चर्स हमारी क्लासेस चलेगी टी टी एस और एस मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे चार दिन हफ्ते में हमारी क्लास चलेगी टी टी एस एस ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे संडे पहली बात ठीक है जी सर टीटीएस में तो मैं आपको बढ़ा रहा हूं लेकिन आपको टीटीएस में ये नहीं है कि आपको एमडब्ल्यू एफ छुट्टी रखनी है आपका लेक्चर चलेगा मंडे टू संडे मंडे टू संडे सर कैसे

इसके क्वेश्चन बैंक की वीडियो देखनी पड़ेगी चैप्टर वन की ठीक है सर इसकी एमसीक्यू की वीडियो देखनी पड़ेगी क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू का वीडियो ही रहेगा का ठीक है तो ये आपको करना है नेक्स्ट डे ये क्या करना है आपको नेक्स्ट डे करना है तो इससे फायदा क्या हुआ इससे फायदा ये हुआ कि चैप्टर वन जब मैंने किया ना तो चैप्टर वन के अगले दिन ही मैंने उसका रिवीजन भी कर लिया और उसका क्वेश्चन बैंक भी कर लिया और एमसीक्यू भी कर लिया क्लियर है क्या मेरी बात आपको क्या सभी स्टूडेंट को क्लियर है क्या मेरी बात साथ ही साथ जो पिछले दो अटेम्प्ट की आरटीपी हालांकि आरटीपी के सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में लेकिन फिर भी जस्ट टू गेट एन एक्स्ट्रा कंफर्ट एक ही मिनट तो लगेगी अगर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है तो तो टू अटेम्प्ट आरटीपी लिख लो साथ साथ टू अटेम्प्ट आरटीपी ये करना है तो बेसिकली मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको आपको अगले 35 डेज़ पढ़ाने वाला हूं, तो डेली बेसिस पे ऑडिट बच्चों को नहीं पता होगा सर क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू की वीडियो कहा मिलेंगी ये ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे तो जो बच्चा गूगल ड्राइव से लेक्चर देखेगा जो बच्चा लाइव देखेगा हमारे सॉफ्टवेयर पे उसको सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बैंक होगा लक्ष्मी फोर्टी क्लासेस हो चुकी क्लासे है लास्ट फाइव सिक्स लेक्चर बचे हुए हैं जो कि वहां पे MWF में चलता है और अभी प्लीज रेगुलर कोर्स की कोई भी चर्चा नहीं होगी यहाँ पे वाली एक बात मैंने आपको बता दी कि भैया हमारा लेक्चर जो है वो टी में होगा आफ्टर टेन या 12 डेज हमारा रेगुलर हो जाएगा ठीक <coughs> है दूसरी मेन बात दूसरी मेन बात रिवीजन के लिए मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूं देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं जो बातें मैंने आपको बताई है आपको मेन बुक मिलेगी क्वेश्चन बैंक मिलेगा एमसीक्यू मिलेगा एमसीक्यू का मतलब केस बेस एमसीक्यू मान लेना इसी के अंदर करेक्ट इन करेक्ट मिलेगा क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू की वीडियो आपको यूट्यूब से करनी है हर चैप्टर के बाद मेन बुक हमारी क्लास के अंदर कवर हो जाएगी ठीक है मैं आपको ये बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें कहां से कवर होगी दूसरी बात आती है दूसरी बात आती है समरी ई विल प्रोवाइड यू फॉर रिविजन एक मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करूंगा प्लस एक लिमिट बेस्ड चार्ट प्रोवाइड करूंगा जिससे कम से कम दस से बारह नंबर का काम आएगा और इस लिमिट बेस्ड चार्ट की अपडेटेड वीडियो प्रोवाइड होगी इसको आपको मल्टीपल टाइम पे रिविजन करना है ठीक है मल्टीपल टाइम पे रिवीजन करना है चार्ट लिमिटेस्ट चार्ट अपडेटेड वीडियो देख लेना आपको ये मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा उसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड दो मॉक टेस्ट, इसके आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपको सेल्फ इवेल्यूएट करना है मैं कोशिश करूंगा कि हमारी टीम आपके लिए इवेल्युएशन करे लेकिन अभी कुछ भी श्योर नहीं है ठीक है लेकिन वहां पे अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो आपको पचास सौ के देने पड़ सकते हैं लेकिन आप मान के चलिए सेल्फ इवेल्यूएशन करना है कैसे करना होगा मैं बता दूंगा आपको उस बारे में कोई भी आप टेंशन ना लें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अभी तक अभी इस पॉइंट तक हमने थर्टी मिनट बेसिक डिस्कशन किया है आपकी जो भी क्वेरीज है ना एक बार आप पूछ लो क्योंकि मैं बीच बीच में आपके कमेंट लगातार नहीं देख पाऊंगा क्योंकि उससे मेरा फ्लो भी टूटेगा और आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा कि बार बार अगर मैं क्वेरीज या बच्चों के नाम लूंगा तो क्योंकि बाद में इसको रिकॉर्डेड में भी बहुत सारे बच्चे देखने वाले हैं तो अब आपकी कोई भी क्वेरीज है मैं आपको ऐसे हर आधे घंटे के बाद दो मिनट का टाइम दूंगा अब आपकी जो भी क्वेरी आप मुझसे पूछिए रिलेटेड टू आर कोर्स फिर हम चलते हैं आज की मेन चर्चा पे बताओ जी सर जिनकी आर्टिकलशिप चल रही है वो कैसे करेंगे बेटा टाइम मैं कोशिश कर रहा हूं चेंज करूँ डेली रात को आठ बजे से आपकी क्लास लेने की कोशिश करूंगा ताकि आर्टिकलशिप वाले स्टूडेंट भी आराम से घर पर आकर लाइव ज्वाइन कर सके ये देखो पीयूष तिवारी पहली क्वेरी ही एडमिन क्वेरी टाइम टाइम आप लोग बताइए टाइम हम कोशिश करेंगे 8 पीएम पीएम 10 PM. या फिर दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं एक 7 एम टू 9:30 थर्टी एम ये हमारे जो बच्चे एनरोल होंगे ना अभी हम इस पर नो डिस्कशन नो डिस्कशन ये जब हमारा फोर्थ क्लास स्टार्ट होगा ना जो बच्चे हमारे कोर्स के अंदर होंगे हम उनके साथ डिस्कस कर लेंगे उनको क्या टाइमिंग सूट कर रहा है उसके हिसाब से मैं उनको ऑप्शन दे दूंगा या तो सेवन टू नाइन थर्टी या एट टू टेन अभी यूट्यूब पे कोई डिस्कशन नहीं होगा हाँ ऑफिस टाइमिंग के बीच का टाइम नहीं रखूंगा मैं जो हमने पहले डिसाइड किया था टू टू फोर पी सर मैंने पहले दूसरे सर का किया था ऑडिट और मेरा मे ट्वेंटी का अटैम्प्ट है और मेरे को ऑडिट की क्लासेस कंप्लीट करने को थ्री मंथ्स हो गए हैं और मैंने ये फास्ट ट्रैक में एनरोल किया है आप कर सकते हैं तने और बताइए जी और कोई क्वेरी आपकी या फिर हम स्टार्ट करें आज की क्लास पार्थ बोल रहे हैं रेगुलर लो या फास्ट ट्रैक समझ नहीं आ रहा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो रेगुलर लो आपने एक बार पढ़ रखा है आपको बेसिक नॉलेज है तो फास्ट ट्रैक लो ठीक है कॉम्बो रिकॉर्डेड रहेगी क्या मैं समझ नहीं पाया आपकी क्वेरी समझ नहीं पाया मैं आपकी क्वेरी सी इंडिया से बात कर लो ये एडमिन क्वेरी है पार्थ की क्वेरी मैंने रिप्लाई कर दी आपके हवाले ऑडिट साथियों मेरे हवाले कर दो मैं संभाल लूंगा कोई दिक्कत नहीं है चलो जी चैप्टर वन हम स्टार्ट नहीं कर रहे हम सबसे पहले देख रहे हैं आज फ्लो ऑफ ऑडिट आपको पार्टिसिपेट करना है डिस्कस करना है ठीक है जी फ्लो ऑफ में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपको मेरे साथ साथ बस जवाब देते हुए चलना है हम इस सब्जेक्ट के अंदर देखो रेगुलर कोर्स में तो मैं एक घंटे यही डिस्कस करता हूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं लेकिन यहां नहीं करने वाला हूं मैं हम इस कोर्स के अंदर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट पढ़ने वाले हैं <coughs> <coughs> वहां मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट बताता हूं घुमा फिरा फिर लेकर आता हूं <coughs> लेकिन यहां पे डायरेक्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने वाले हैं जिसको हम स्टैचरी ऑडिट के नाम से भी जानते हैं आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलो जी अब मैं यहां पे पहला कंसेप्ट लिखना स्टार्ट करता हूं फ्लो ऑफ ऑडिट सबसे पहले भैया हमने एक एरिया उठा लिया एरिया मैं ले लेता हूं यहां पे आपके लिए एरिया बताओ जरा फाइनेंशियल का कौन सा लेना है एरिया बताओ जरा फाइनेंशियल का कौन सा लेना है सर रिवेन्यू ले लीजिए लो जी रिवेन्यू ले लिया रिवेन्यू कितने का ले कंपनी तो बताओ सर किस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं लो जी हम एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहे हैं जिसके अंदर

अब आप ये बताओ इस रिवेन्यू को टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा काफी बच्चे कहेंगे सर एक काम करते हैं अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड का रिवेन्यू देखते हैं कितना कितना है फिर उनमें से हम कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे चेक कर लेंगे चलो आप बताओ जरा कमेंट में आप क्या करोगे देखिए जी बता सकते हो क्या करेंगे देखिए नहीं नहीं ऐसे नहीं जवाब देने ऐसे जवाब नहीं देना अब आप मुझे एक बात बताइएगा आप मुझे एक बात बताइएगा सभी बच्चे देखो अब इससे पता चलता है कि आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ रखा है लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा मान लीजिए रिवेन्यू की एक ट्रांजेक्शन है रिवेन्यू की एक ट्रांजेक्शन है सेल की एक ट्रांजेक्शन है पाँच सौ रुपए की मैं हम यहाँ पे अमाउंट पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा एक ट्रांजेक्शन है सेल की क्लाइंट ने आपको सेल इनवॉइसिस दे दिया सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए अब आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हो और वहां पे आपने देखा यार काफी लोगों के साइन है सेल्स कर रखी है इन्वेंट्री बाहर गई है मतलब इन्वेंट्री एग्जिट है लेकिन आपको पता कैसे चलेगा वो सेल सही है या गलत है वो सेल जो कर रखी है क्लाइंट ने वो सही है या गलत है वो कैसे पता चलेगा तो आप सबसे पहले जानना चाहोगे आप सबसे पहले जानना चाहोगे कि उस सेल का प्रोसेस क्या है उस सेल का प्रोसेस क्या है कंपनी कैसे कस्टमर सेलेक्ट करती है कैसे कस्टमर के साथ एक सेल्स ऑर्डर जनरेट करती है और किस तरह से उन्हें माल देती है कस्टमर से पैसा कैसे रिसीव करती है आप उस पूरे प्रोसेस को समझना चाहोगे तो सबसे पहले एक ऑडिटर क्या करता है बेटा इस एरिया को स्टार्ट करने से पहले रिवेन्यू का ट्वेल्व थाउजेंड का नंबर चेक करने से पहले वो रिवेन्यू के पूरे प्रोसेस को समझना चाहेगा कि कंपनी का पूरा प्रोसेस क्या है कि रिवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है क्या कंट्रोल्स हैं उस प्रोसेस के अंदर क्या रिस्क है तो मैं बेसिक बातें लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे कि उसके अंदर क्या रिस्क है प्रोसेस के अंदर और उस प्रोसेस के अंदर क्या कंट्रोल्स आप आप सभी देखो सही बातें लिख रहे हो लेकिन फिर भी चलते हैं क्या आप मेरे को ये बताओ क्या आप इस नंबर को हंड्रेड परसेंट चेक कर सकते हो परचेज का एग्जाम्पल ले लें लो जी परचेज ले, ले लेते हैं रिवेन्यू की जगह हम ले लेते हैं एग्जाम्पल थोड़ा बेटर हो जाएगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही बात है क्या आप इस परचेज के नंबर को 100 टेस्ट कर सकते हो सर हंड्रेड परसेंट हम टेस्ट नहीं कर सकते लिमिटेशन है आर ऑफ जो कि पूरे साल में क्लाइंट्स ने की है हम तो पांच लोगों की ऑडिट टीम होगी छह लोगों की ऑडिट टीम होगी तो हम इसको हंड्रेड तो चेक नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं बेटा इसको किस बेसिस पे चेक करते हैं सैंपल बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं अभी आज हम किताब पे नहीं जाएंगे हम इसको सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं सैंपल बेसिस पे मतलब सैंपल बेसिस का मतलब क्या है मान लीजिए जो 12000 करोड़ का नंबर है इसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है ना जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो एक लाख है 1 लाख नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है मैं इन 1 लाख को चेक नहीं करूंगा मैं इन 1 लाख में से हो सकता है कितनी ट्रांजेक्शन चेक करूं बेटा से पांच को चेक करूं और मैं ये बोल दूं कि सारी एक लाख ट्रांजेक्शन ठीक है, है, के अंदर, मैं है। हां जी इसका मतलब मुझे एक लाख में से 500 सो सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसको आप क्या बोलते हो सैंपलिंग बोलते हो जो कि हमारा एक प्रॉपर चैप्टर है मैं एक लाख में से 500 इस तरह से चेक करूंगा जो कि एक लाख को क्या करे बेटा रिप्रेजेंट करे एक लाख को क्या करे रिप्रेजेंट करे 500 सो ट्रांजेक्शन हमको इस तरह से सेलेक्ट करनी है जिसके बेस पे मैं एक लाख ट्रांजेक्शन के लिए कंक्लूजन फ्रेम कर सकूं अच्छा जी तो ये कहां पे कवर होगा हमारा चैप्टर सैंपलिंग के अंदर कवर होगा कि वो एक लाख आपको कैसे सेलेक्ट करनी है अब हम एक बेसिक फ्लो डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ये 500 ट्रांजैक्शन मुझे सेलेक्ट करनी है 500 के बेस पे मुझे ये बोलना है क्या एक लाख ट्रांजैक्शन सही है क्या या दूसरा बोलो ये 12,000 करोड़ का नंबर मेरा ठीक है क्या तो आप बताओ सैंपल करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं सैंपल करने के लिए हम सबसे पहले ट्वेल्व करोड़ के नंबर को चेक करने के लिए मेरे को सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं ये सिग्निफिकेंट एरिया है एक बच्चा बोल रहा है सर सिग्निफिकेंट एरिया कवर करेंगे आप मान के चलिए दिस इज सिग्निफिकेंट एरिया ये मान लीजिए आप दिस इज सिग्निफिकेंट एरिया अब मेरे को ट्वेल्व थाउजेंड करोड़ का नंबर चेक करना है ट्वेल्व करोड़ के नंबर चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या देखना होगा या समझ लीजिए मैं ये बोलूं मैं सैंपल निकालना चाहता हूं मैं सैंपल निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखूं देखेगा जिस क्लाइंट का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं ना क्लाइंट का नाम क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे पहले मैं देखूंगा इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर कौन है इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है कंपनी को कौन चला रहा है मतलब यहां पे हम जानना चाहेंगे किसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में ओनर्स के बारे में इन सब चीजों की हमें नॉलेज लेनी होगी ऐसा क्यों भाई ऐसा क्यों सर ऐसा इसलिए अगर किसी एक डायरेक्टर ने मान लीजिए पहले कभी फ्रॉड किया हुआ है जिसका फ्रॉड रिपोर्टेड है अगर वो रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर है तो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा उम्मीद हो सकता है कि यार जब इस बंदे ने पहले फ्रॉड किया हुआ है तो हो सकता है यहां पे भी इसने फ्रॉड कर रखे हो बिल्कुल सही बात है और मैं ये देखूंगा क्या इस कंपनी के अंदर पास्ट में कोई फ्रॉड रिपोर्टेड है क्या अभी तो मैंने मैनेजमेंट की बात की थी क्या कंपनी ने पास्ट में कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया हुआ है क्या कंपनी के अगेंस्ट तो कंपनी की आपने न्यूज़ के बारे में देख लिया ठीक है जी और बताओ सर मैं कंपनी के मार्केट को भी देखूंगा कंपनी के मार्केट को भी स्टडी करूंगा कि कंपनी का मार्केट कैसा है कंपनी का कस्टमर कौन है कंपनी का वेंडर कौन है कंपनी कहां ऑपरेट कर रही है ये सारी चीजें मैं देखना चाहूंगा क्योंकि मेरे को पता चलेगा कि कंपनी के अंदर रिस्क कितना है एक स्टूडेंट बोल रहा है विजिबल नहीं है ब्लू कलर आपको विजिबल नहीं है क्या ओके आई विल चेंज दिस ऑनर्स मैं दोबारा लिख रहा हूं कोई बात नहीं अभी देखता हूं मैं दिख रहा है क्या बता देना दिख रहा है क्या कस्टमर व्हाइट पेन ले लूं वो ब्लैक दिखेगा है नहीं मार्केट आ, ये ठीक है अभी आप कुछ लिखना मत कोई भी स्टूडेंट कुछ भी लिखे ना बस अभी ध्यान रखें ये सिस्टम में आज ठीक कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले आप जानना चाहोगे कंपनी के एनवायरमेंट को मैं पे एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं आप जानना चाहोगे कंपनी के एनवायरमेंट को कि कंपनी का एनवायरमेंट कैसा है साथ ही साथ आप जानना चाहोगे एंटिटी को तो एंटिटी एंड उसके एनवायरमेंट को मैं जानना चाहूंगा कि कंपनी कैसी है उसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना रिस्क नजर आ रहा है उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे क्या डिसाइड करेंगे कि मुझे कितना रिस्क नजर आ रहा है और फिर मैं डिसाइड करूंगा क्या मुझे परचेज की ज्यादा चेकिंग करनी चाहिए या कम समझ आ रहा है मैं थोड़ा बहुत ही नेक्स्ट लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फास्ट ट्रैक को बेसिक से स्टार्ट में कर ही नहीं रहा ठीक है तो अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट मान लो पहले पढ़ा हुआ है तो एक बार पूरा लेक्चर देखे और एक बार अगला लेक्चर देखे उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आप फास्ट ट्रैक को हजम कर पाओगे या नहीं तो अभी बिल्कुल ना सोचे कि सर अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा अभी नहीं आ रहा कोई बात नहीं दो क्लास देख लो दो क्लास के बाद आप डिसीजन ले पाओगे कि मैं हजम कर पाया या नहीं ठीक है

तो यहां पे मैं देखूंगा कि परचेज का ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है अभी परचेज का प्रोसेस क्या है जब कंपनी के अंदर कोई परचेज की जाती है तो उस परचेज को कौन अप्रूव करता है कौन अप्रूव करेगा भैया अगर कोई पांच लाख रुपए की परचेज लेनी है तो कौन अप्रूव करेगा ये हमें देखना होगा क्वालिटी कौन चेक करता है पेमेंट कैसे होती है ये पूरा सिस्टम एक ऑडिटर को समझना पड़ेगा सिस्टम या प्रोसेस

एक रिक्वेस्ट बनाते हैं कि वी नीड ए मशीन फॉर द दर्पज ऑफ कंपनी बेटा बाहर जाओ लेक्चर चल रहा है है आशु वीडियो नहीं है। क्या है रिक्वेस्ट बनाते हैं कि एक मशीन चाहिए हमें जिसकी कॉस्टिंग है फिफ्टी लाख रुपीज जिसकी कोस्टिंग है पचास लाख रुपए अब इनके रिक्वेस्ट के बेस पे एक बात बताओ राम ने कहा कि मेरे को एक पचास लाख की मशीन चाहिए क्या कंपनी को पचास लाख की मशीन खरीद देनी चाहिए या पहले ये देखना चाहिए क्या इस 50 लाख की मशीन को एक्चुअल में खरीदना चाहिए क्या इसका कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल है क्या ये क्यों खरीदनी है ये मशीन क्या ये देखा जाएगा आपका आंसर आना चाहिए यस सर बिल्कुल देखा जाएगा तो इसका मतलब वी ऑल वॉन्ट टू नो कि इस रिक्वेस्ट को कोई क्या करे अप्रूव करे इस रिक्वेस्ट को कोई क्या करे अप्रूव करे कौन अप्रूव करेगा सर हो सकता है कि एक जो मिस्टर राम है तो जो राम के मैनेजर होंगे ना सर हो सकता है उनको अप्रूव करने के लिए बोला जाए उसके अलावा हो सकता है फाइनेंस मैनेजर को अप्रूव करने के लिए बोला जाए सर देखो अमाउंट कितना बड़ा है पचास लाख रुपए तो हो सकता है उस फैक्ट्री के यूनिट हेड से भी अप्रूवल लिया जाए कि भैया क्या वाक्य में ही आपकी इस यूनिट पे इस तरह की मशीन की रिक्वायरमेंट है क्या अब ये तीनों अप्रूवल आ गई सर ये अगर अप्रूवल ना थी तो क्या होता तो ऐसा हो सकता था एक रिस्क हो सकता था ना क्या रिस्क हो सकता था बेटा कि कंपनी स्पेंड कर देती स्पेंड कर देती क्या फिफ्टी लाख रुपीस ऑन अनरिक्वायर्ड मशीनरी कंपनी क्या कर सकती थी बेटा पचास लाख रुपए खर्च कर सकती थी एक ऐसी चीज के ऊपर जो रिक्वायरमेंट नहीं है अब कंपनी ने क्या किया इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैं लिख रहा हूं आप मत लिखिएगा टू मिटिगेट या टू दूसरी भाषा में बोलूं रिमूव द रिस्क कंपनी ने क्या किया बाबू कंपनी ने एक कंट्रोल इंप्लीमेंट किया आज मैं आपको सारे रियल लाइफ वर्कपेपर भी दिखाऊंगा कंट्रोल इंप्लीमेंट किया और वो कंट्रोल क्या था थ्री अप्रूवल

अब भैया इनकी रिक्वेस्ट हो जाती है अप्रूव मतलब तीन लोग बोल देते हैं कि ये मशीन तो खरीदनी चाहिए अब आ जाता है स्टेप नंबर थ्री आपको ये वाला पेन दिखेगा ही नहीं तो ये स्टेप टू। ये रहा स्टेप वन अब आ जाती है बात स्टेप नंबर थ्री की स्टेप नंबर तीन अब आपको मशीन खरीदनी है ठीक है जी मशीन खरीदते हैं किससे खरीदें किससे खरीदें अब आप कहते हो कि ठीक है काम करवाते हैं अब जब हमको मशीन खरीदनी ही है तो यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट होना चाहिए तो परचेज डिपार्टमेंट है मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है मार्केट से कोटेशन मंगवाता है कोटेशन समझते हो ना बेटा कोटेशन मतलब भाई बताओ कि आप हमें ये मशीन कितने की दोगे उसने मार्केट से क्या मंगवाई कोटेशन मंगवाई कि बताओ हमें चाहिए मान लो एक्स क्वालिटी का हमें एक मशीन चाहिए प्राइस बताओ वो तीन लोगों से मंगवा लेता है ए बी सी ए बोलता है जी सेम मशीन आपको सैंतालीस लाख की देंगे बी बोलता है फिफ्टी वन की देंगे सी बोलता है हम आपको फोर्टी एट की देंगे तीन लोगों से कोटेशन मंगवा ली अब इस कोटेशन में से किसी एक वेंडर को फाइनल करना है किसी एक वेंडर को फाइनल करना है अब किसको फाइनल करें अब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं ए फोर्टी सेवन की दे रहे हैं तो ए को फाइनल कर देते हैं नहीं भैया टेंडर इज डिफरेंट टेंडर टेंडर पब्लिक में निकाला जाता है देखिए कोटेशन और टेंडर में एक फर्क होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा अभी नहीं आपने कोटेशन मंगवाई ए बी सी से तीनों ने कोटेशन दे दिया अब मैंने कहा ठीक है भैया वेंडर फाइनल करो वेंडर फाइनल करो मतलब कोटेशन फाइनल करो कोटेशन फाइनल करो आपने कहा ठीक है सर ए से मंगवा लेते हैं ए ने सैतालीस लाख का कोटेशन दिया नहीं जी हम सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स पे बात नहीं करेंगे हम क्वालिटी को भी कंसिडर करेंगे तो एक बात बताइएगा क्या आपको कोई रिस्क नजर आ रहा है यहां तक जितना मैंने डिस्कशन किया क्या आपको रिस्क नजर आ रहा है देखिए जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा तेज चलता है वो कहेंगे सर रिस्क नजर आ रहा है क्या कि जो परचेज डिपार्टमेंट है ना वो कोटेशन मंगवा रहा है तो यहां पे रिस्क है मैं रिस्क नीचे लिख रहा हूं यहां पे स्टार लगा के वन लगा रहा हूं और यहां रिस्क लिख रहा हूं ये रिस्क नंबर वन था अब रिस्क नंबर टू रिस्क नंबर टू क्या रिस्क है बताओ जरा स्क्रीन पे सर रिस्क ये है कि परचेज डिपार्टमेंट कैन कोल कोटेशन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी पहला रिस्क तो मेरे को यही नजर आ गया ये अब आप एक ऑडिटर हो आप ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो कि परचेज डिपार्टमेंट जो है वो कोटेशन एक रिलेटेड पार्टी से मंगवा सकता है जब आप ये प्रोसेस समझ रहे थे ना तभी आपको क्लाइंट बोलता है नहीं ऐसा नहीं है एक रिस्क है तो उस रिस्क के लिए हमारे पास एक कंट्रोल है क्या है कंट्रोल है क्या कंट्रोल है जी कि कंपनी ने ऑलरेडी अप्रूव्ड ए वेंडर लिस्टिंग फॉर ऑल दी प्रोडक्ट्स बेटा रिस्क समझ आया आपने कहा था कि आप किसी रिलेटेड पार्टी से मंगवा लोगे सामान ये एक रिस्क है सही बात है लेकिन कंपनी ने इसके अगेंस्ट एक कंट्रोल बना रखा है क्या कंपनी ने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपको ये वाला मटेरियल खरीदना है ना तो हम आपको वेंडर हम बताएंगे तो पांच वेंडर बताएंगे आप उन पांचों से कोटेशन मंगवा लो तो मतलब कंपनी ने ऑलरेडी वेंडर फाइनल कर रखे हैं सर वो फाइनल किसने के होंगे बेटा जो वेंडर फाइनल किए जाते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का साइन होता है वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां पे साइन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको फाइनल करते हैं तो इसका मतलब वो वाला रिस्क अपना क्या हो गया खत्म हो गया ठीक है जी उसके बाद हमारा रिस्क क्या आया था इसका मतलब कोटेशन में अपने को कोई दिक्कत नहीं है कोटेशन रिलेटेड पार्टी से नहीं आई होगी कोटेशन मार्केट के जो अप्रूव्ड वेंडर है ना वहां से आई होगी सर अब अगला रिस्क एक और दिखा सर जो वेंडर फाइनल करना है ना परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा इनमें से किसी एक से पैसे ले लेगा कि भैया ठीक है बी एक काम कर तो अप्रूव वेंडर तो था ही मैं तेरी कोटेशन है ना फाइनल करता हूँ सेलेक्ट करता हूं जरा तीन लाख रुपए कैश ले आ, तो आपने एक और रिस्क आइडेंटिफाई किया रिस्क नंबर थ्री लिखो लिखना मत मतलब बाद में लिख लेना रिस्क नंबर थ्री क्या रिस्क निकला सर इस स्टेप पे इस स्टेप पे मुझे रिस्क निकला कि वेंडर कोटेशन फाइनल जो है वो बाइज़ हो सकती है वो बाइज़ हो सकती है वो कमीशन बेस्ड हो सकती है मैंने कहा नहीं आपने जो रिस्क निकाला ऑडिटर साहब वो बिल्कुल सही है लेकिन हमारे यहां पे एक कंट्रोल है मैंने कहा क्या कंट्रोल है जी कि जो कोटेशन फाइनल होती है ना वो कोटेशन फाइनल सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट नहीं करता उस कोटेशन फाइनल करने के लिए एक प्रॉपर मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर हमारे फाइनेंस हेड भी बैठते हैं जिस यूजर ने वो रिक्वेस्ट बनाई थी यूजर के डिपार्टमेंट हेड भी बैठते हैं और अमाउंट के हिसाब से मान लीजिए कोई पचास लाख का परचेज है तो उसमें यूनिट हेड बैठता है और अगर कोई पचास लाख से ऊपर का कोई परचेज है तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लगता है तो कोटेशन जब अप्रूवल होता है फाइनल होता है तो बाकायदा एक मीटिंग होती है मीटिंग के अंदर वो लोग कम्पेरेटिव चार्ट बनाते हैं और उस कंपेरेटिव चार्ट में वो लोग डिसाइड करते हैं कि, कि किस वेंडर को फाइनल करना है और उसके बाद अच्छा सॉरी 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 ये पेन बार बार मैं क्यों सेलेक्ट करता हूँ इसे चेंज कर देता हूँ आपने कहा एक रिस्क है क्या रिस्क है वेंडर कोटेशन फाइनल बाइज हो सकता है आपने कहा जी हमारे पे कंट्रोल है ना उसके लिए एक मीटिंग की जाती है और उस मीटिंग के अंदर हमारे फाइनेंस हेड बैठते हैं जिस यूजर ने सामान मंगवाया था उस यूजर के डिपार्टमेंट हेड बैठते हैं और अकॉर्डिंग टू अमाउंट ये पचास लाख रुपए का परचेज है तो यहां पे मान लीजिए यूनिट हेड बैठते हैं इसमें अगर इसके इससे बड़ा कोई परचेज है तो हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे ये लोग मिलकर एक कंपेरेटिव बनाते हैं और कंपेरेटिव बनाने के बाद उसको अप्रूव करते हैं कि भैया फाइनल वेंडर हमारा ये रहने वाला है तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं मैं इसको और आगे भी लेके जा सकता हूं तो इसका मतलब क्या हमें यहां पे एक रिस्क मिला इस प्रोसेस के अंदर परचेज वाले प्रोसेस में जी हां क्या हमें उस रिस्क को कम करने के लिए कोई कंट्रोल मिला आपने कहा जी हां अब एक बार स्टेप फोर पे भी चलते हैं हालांकि स्टेप फोर कोटेशन फाइनल का था हो गया अब एक बार स्टेप फाइव पे चलो मेरे साथ चलो जी सर मैं और आगे ले आया आपको अब कोटेशन फाइनल हो गया कोटेशन फाइनल हो गया मतलब पीओ बन गया पीओ का मतलब होता है एक एग्रीमेंट यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टेप फाइव एग्रीमेंट क्रिएशन जिसको आप लोग पीओ के नाम से भी जानते हो परचेज ऑर्डर अब परचेज ऑर्डर एक एग्रीमेंट बना उसको साइन कर देंगे जो भी अब पीओ भी डेफिनेटली साइन तो होगा ना पीओ बाय अथोराइज अथोरिटी अदरवाइज तो कोई भी किसी को पीओ दे देगा तो यहां पे भी एक रिस्क है तो क्या यहां भी एक रिस्क था जी हां यहां भी एक रिस्क था कि ऐसे तो कोई भी पीओ बना देगा एनी कोई भी पीओ बन जाएगा एनी पीओ क्रिएशन मैंने कहा नहीं साइन जो अथोरिटी होगी वही करेगा ठीक है जी स्टेप फाइव हो गया स्टेप सिक्स आ गया हो स्टेप सिक्स पे क्या होगा बताओ जरा स्टेप सिक्स पे मान लो वो मशीन आ गई मशीन को रिसीव किया तो यहां पे क्या रिस्क हो सकता है सर यहां एक रिस्क है कि हो सकता है उसका क्वालिटी या उसका जो रिक्वायरमेंट था टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वो हमारी पीओ के हिसाब से ना हो और हम उसे एक्सेप्ट कर लें हमने कहा जी ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे यहां पे क्या है एक कंट्रोल है क्या है बेटा एक कंट्रोल है क्या है जी आपके यहां कंट्रोल इसका पूरा क्वालिटी चेक किया जाता है उसके बाद इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है अच्छा और आगे चलो ठीक है जी क्वालिटी चेक आपने बता दिया और आगे चलो उसके बाद मान लीजिए पेमेंट की बारी आती है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट आपने कहा पेमेंट ज्यादा तो नहीं कर दोगे एक्स्ट्रा पेमेंट एक रिस्क है और भी बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं आप ये बोल सकते हो जब पेमेंट होती है तो सी साहब इसको वापस से रिव्यू करते हैं और उसके बाद एंट्री पास की जाती है जो हमने सामान खरीदा ठीक है अब ये क्या था ये जो मैंने पूरा आपके साथ बनाया इससे हमें क्या समझ में आता है कि सर जब मैं परचेज का बारह हजार करोड़ का नंबर चेक करने जाऊंगा ना तो मैं ऐसे सैंपल वैम्पल चेक नहीं कर दूंगा सबसे पहले मैं एंटिटी और उसके एनवायरमेंट को समझूंगा कि कंपनी के अंदर जो लोग हैं जो कंपनी को चला रहे हैं या जिस तरह की कंपनी है वो कैसी है क्योंकि उसे उससे मुझे ये पता चलेगा क्या कहीं ऐसे तो नहीं है कि ओनर ही ज़्यादातर फ्रॉड कर रहे हो या ओनर का कैसा रवैया है वो सारी चीज़ें मुझे पता चलेंगी उसके बाद जिस एरिया का मुझे ऑडिट करना है मैं उस एरिया को पूरा उस एरिया का पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करूंगा कि उस एरिया का प्रोसेस क्या है क्यों समझते हैं हम किसी प्रोसेस को क्योंकि सर उस एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं बहुत सारे रिस्क होते हैं अगर कंपनी उन रिस्क को खत्म ही नहीं कर रही है अगर कंपनी कहती है भाई मेरे यहां तो कोई कंट्रोल ही नहीं है अगर एक यूजर को मशीन चाहिए और मशीन मंगवा देते हैं तो फिर तो मेरे को कंफर्ट आएगा ही नहीं फिर तो मैं कहूंगा भाई मैं तुम्हारी एक लाख ट्रांजेक्शन भी अगर चेक कर लूं तो भी मैं ये नहीं बता सकता कि एक लाख ट्रांजेक्शन सही है या नहीं है आपने पता नहीं बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा है नहीं खरीदा है, है, है।, है, है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि आपने कंट्रोल बना भी रखे हैं नहीं बना रखे तो हो सकता है आप लोग पैसा क्या कर रहे हो वेस्ट कर रहे हो तो बेसिकली विदाउट कंट्रोल्स विदाउट कंट्रोल्स एक ऑडिटर को कभी भी कंफर्ट ही नहीं आएगा चाहे वो हंड्रेड परसेंट टेस्टिंग ही क्यों ना कर ले मेरी बात चलेगा जिस बंदे को काम करना चाहिए था, क्या उसी ने किया या नहीं किया एक, केस में आ सकता है. कब जब आप एक बहुत छोटी कंपनी का काम कर रहे हो वहां पे एक ही मालिक है जो जिसके पास सारी पावर है तो मतलब हर जगह साइन उसी के मिलेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कोई उस केस में हमें कंफर्ट आ सकता है ठीक है, सारी आपके है आपने और दूसरा कौन करेगा लेकिन अगर मैं बड़ी बड़ी भी बड़ी प्राइवेट कंपनी वहां पर पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारे जो रिस्क होते हैं उन रिस्क को मिटाने के लिए कंट्रोल होते हैं तो एक ऑडिटर सबसे पहले उन कंट्रोल को समझता है क्या करता है बेटा मेरे साथ साथ आप कमेंट कीजिएगा उन कमेंट उन कंट्रोल्स को समझता है और अगर उसे लगे कि अच्छा यार ये पूरा प्रोसेस है और कंपनी ने रिस्क तो है यार रिस्क तो होंगे लेकिन कंपनी ने रिस्क मिटाने के लिए क्या लगा रखे हैं अच्छे अच्छे कंट्रोल्स लगा रखे हैं इसका मतलब मैं ये कंफर्ट ले सकता हूं कि अगर मैं कुछ ट्रांजेक्शन को उठा के देख लेता हूं और ये देखता हूं कि आ, कंट्रोल्स एक्चुअली में फॉलो हो रहा है क्या अगर हो रहा होगा तो मैं ये मान सकता हूं कि कंपनी ने जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है सब पे कंट्रोल लगा होगा क्या समझ में आई मेरी बात मैं कुछ ट्रांजेक्शन में कंट्रोल चेक करूंगा और अगर मुझे लगा कि सारे कंट्रोल फॉलो हुए हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्ट आता है कि एक लाख ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड हुई होंगी तो कंपनी ने कंट्रोल फॉलो किए होंगे समझ आया इतना बताइए तो इसका मतलब जो हमारा यहां पे मैंने आपको बताया था एक ऑडिटर का फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा वो एंटिटी और एनवायरमेंट को समझेगा उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया प्रोसेस को समझेगा अब प्रोसेस को ये सब मैं आपको दूंगा बाद में लिखना आप अब प्रोसेस को समझने में क्या होता है देखिए मैंने लिखा प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेगा तो ये हमारा स्टेप टू था स्टेप वन था हमारा एंटिटी एंड एनवायरमेंट को समझना जो कि ऊपर हमने डिटेल में चर्चा कर ली अब मैं समरी बना रहा हूं हमने लिखा दूसरे पे वो प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेगा तो प्रोसेस के अंदर क्या अंडरस्टैंड करेगा सर सर तीन चीजें देखेगा वो नंबर वन प्रोसेस देखेगा क्या प्रोसेस है जो ऊपर मैंने आपके लिए एक एक बहुत ही छोटा प्रोसेस बनाया है दूसरा क्या देखेगा उस प्रोसेस के अंदर रिस्क देखेगा तीसरा क्या देखेगा उन रिस्क को मिटाने वाले कंट्रोल्स देखेगा हाँ या ना जल्दी बताओ यस और नो अभी सिर्फ उसने इनको क्या किया है अंडरस्टैंड किया है बताओ जरा एंटिटी एंड एनवायरमेंट को उसने रिव्यू किया है अंडरस्टैंड किया है इतना समझ आता है सभी बच्चे बताइएगा सभी बच्चे बताइएगा क्या इतना समझ आता है आप लोगों को कि हमें बारह हजार करोड़ का नंबर तो चेक कर लेंगे लेकिन सबसे पहले हमें एंटिटी और एनवायरमेंट को समझना पड़ेगा और उस एरिया को प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रोसेस को उस प्रोसेस के अंदर रिस्क को और उन रिस्क को मिटाने वाले कंट्रोल्स को यस yes, सर अब आप मुझे यह बताइएगा क्या अंडरस्टैंडिंग काफी है क्या क्या अंडरस्टैंडिंग काफी है क्लाइंट ने कहा कि हमारे यहां पे देखो अब ये मान लो मैं क्लाइंट हूं जब मैं आपके साथ ये प्रोसेस डिस्कस कर रहा था तो आप मेरे को रिस्क बता रहे थे मैं आपको कंट्रोल बता रहा था अब आप मुझे ये बताइए क्या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफी है या चेकिंग भी करना चाहोगे अब आप ये बताओ क्या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफी है चेकिंग भी करना चाहोगे सर अंडरस्टैंडिंग कैसे काफी है हम चेकिंग करना चाहेंगे क्लाइंट ने तो बता दिया हमारे यहाँ पे इतने सारे कंट्रोल है पता चले वो कंट्रोल इंप्लीमेंटेड ही नहीं है पता चले वो कंट्रोल काम ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं है अब मुझे उसको चेक करना पड़ेगा अब मुझे उसे चेक करना पड़ेगा मानते हो ना क्या आप ये बोलो, अभी अभी यार मैं अभी उल्टा घुमा घुमा के लेके जाऊंगा धीरे धीरे क्या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफी है सर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं है अब हमें उसे चेक करना पड़ेगा कि क्लाइंट ने जो मुझे कंट्रोल्स बताए हैं क्या वो कंट्रोल सही है क्या क्या वो कंट्रोल कंटिन्यू काम कर रहे हैं क्या तो मैं उसे चेक करूंगा इसका मतलब जो मैंने रिस्क और कंट्रोल को समझा था अब उसे सेकेंड स्टेप पे मैं आके चेक करने वाला हूं जिसको हम क्या बोलते हैं आपको पता है हम ऑडिट में उसे बोलते हैं कि अब मैं कंट्रोल की टेस्टिंग करूंगा क्या करूंगा कंट्रोल की टेस्टिंग करूंगा मैं यहां पे समझाने के लिए लिख रहा हूं स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री कंट्रोल की टेस्टिंग करेंगे यूजलेस है बिल्कुल सही कहा कंट्रोल की टेस्टिंग करेंगे अब यहां पे कंट्रोल की टेस्टिंग मतलब यस yes सर अब ध्यान से सुनिएगा दोबारा ध्यान से, से पहले आपने और को समझ लिया और मतलब आपने के ऑडिट करना था उस एरिया के प्रोसेस को आपने समझा प्रोसेस के अंदर रिस्क समझे आपने और उन रिस्क को मिटाने वाले कंट्रोल को समझा समझना अंडरस्टैंड किया बस क्या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफी है क्या ऐसे तो क्लाइंट आपको बोल देगा हमारे यहाँ तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंट्रोल हैं आप मान लोगे क्या जो क्लाइंट ने बोला नहीं इसका मतलब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना पड़ेगा उन कंट्रोल्स की चेकिंग करनी पड़ेगी जिसको हम ऑडिट में बोलते हैं कंट्रोल टेस्टिंग जिसको हम क्या बोलते हैं कंट्रोल टेस्टिंग सर कंट्रोल टेस्टिंग कैसे करें देखिए सबसे पहले वर्ड आता है कंट्रोल तो थोड़ा हाई लेवल पे स्टार्ट करते हैं एक क्लाइंट है ना अलग अलग तरह के कंट्रोल्स लगाता है मैं थोड़ा यहां पे लेके चल रहा हूं यहां एक क्लाइंट थोड़ा अलग अलग तरह के कंट्रोल्स लगाता है सर बताइएगा किस किस तरह के कंट्रोल लगा सकता है सर क्लाइंट आपके यहाँ पे बेटा बहुत हाई लेवल लग रहा हो तो बता देना सर क्लाइंट आपके यहाँ पे ऑटोमेटेड कंट्रोल लगा सकता है ये एक हमारा चैप्टर है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वो स्टार्ट हो गया है क्लाइंट हमारे यहां पे मैनुअल कंट्रोल लगा सकता है क्लाइंट अपने यहां पे ऑटोमेटेड विद मैनुअल लगा सकता है ठीक है जी आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर एक कंट्रोल होता है बैंक रिकंसिलेशन आप लोगों ने सुना होगा कि भैया क्लाइंट बैंक रिकंसिलेशन बनाते हैं आप मुझे बताइए क्या बैंक रिकंसिलेशन डेली बनता है या मंथली बनता है क्वार्टरली बनता है या इयरली बनता है आप बच्चे बताओ बताओ बैंक रिकंसिलेशन डेली बनता है मंथली बनता है क्वार्टरली बनता है इयरली बनता है सर बैंक रिकन्सिलेशन जो है वो तो हमने मंथली देखा है मंथली देखा है ना मंथली देखा है तो इसका मतलब बैंक रिकन्सिलेशन क्या है एक कंट्रोल है वो कंट्रोल कब लग रहा है मंथली लग रहा है तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटेड एनवायरमेंट चल रहा है बाबू ये उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मंथली जनरली मंथली बनती है बेटा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अब एक दूसरा कंट्रोल ले लेते हैं ये एक एग्जाम्पल था अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं ये पहला एग्जाम्पल था नाउ एग्जाम्पल इज टू कंपनी डेली बेसिस पे परचेज करती है परचेस करती है डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे क्वालिटी चेक किया जाता है क्वालिटी चेक किया जाता है तो क्वालिटी चेक क्या एक सर क्वालिटी चेक तो एक कंट्रोल है मैंने कहा बिल्कुल सही क्वालिटी चेक क्या एक कंट्रोल है और इस कंट्रोल को हम कैसे चेक कर रहे हैं डेली तो ये क्या हो गया डेली क्या हो गया एक इसकी कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी हो गई ठीक है जी बैंक बैंक रिकंसिलेशन आप मुझे बता सकते हो कौन सा कंट्रोल है ऑटोमेटेड कंट्रोल है मैनुअल कंट्रोल है या ऑटोमेटेड विद मैनुअल कंट्रोल है बताओ जरा सोचकर बताओ बताओ आराम से सोचकर बताओ जो बैंक रिकंसिलेशन है वो मेरा मैनुअल कंट्रोल है ऑटोमेटेड कंट्रोल है मैनुअल विद ऑटोमेटेड कंट्रोल है चलो मैं बताता हूं वो जो कंट्रोल है हमारा वो ऑटोमेटेड विद मैनुअल कंट्रोल है सर कैसे कैसे जो हमारा कंपनी जो भी ईआरपी सिस्टम यूज करती है मान लीजिए एस यूज करती है कंपनी तो उसको मंथली एक वो रिकंसिलेशन बना के दे देता है सिस्टम हमारा कि ये ऐसी ट्रांजेक्शन है जो हमने चेक काट के दिए थे जो अभी तक पेंडिंग है हमारी बुक्स में या ऐसे हैं जो हमने क्रेडिट किए थे जो कि अभी तक बैंक में नहीं हुए डिफरेंस वो हमें हमें बना के दे दे देता है SAP ने एक लिस्ट बनाकर दी सभी पेंडिंग चीजों की सभी पेंडिंग चीजों की एस ने हमें क्या बना के दे दी लिस्ट बना के दे दी सिस्टम ने हमें कुछ डेटा प्रोवाइड कर दिया अब उस डेटा कोई को एक बंदा मैनुअली चेक कर रहा है कोई पर्सन उस डेटा को मैनुअली क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है तो यहां पे सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया पर्सन भी इन्वॉल्व हो गया ऑटोमेशन भी इन्वॉल्व हो गया मैनुअल भी इन्वॉल्व हो गया तो ये कैसा कंट्रोल हो गया ऑटोमेटेड विद मैनुअल कंट्रोल अब ये वाला कंट्रोल बताओ कैसा है कोई क्वालिटी चेक कर रहा है कोई बंदा है वो अच्छे से देखकर क्वालिटी चेक करके उस पर अपने साइन कर रहा है क्वालिटी चेक कर उस पर अपने साइन कर रहा है बताओ ये कौन सा कंट्रोल है मैं तीनों एग्जांपल ले लूंगा जल्दी बताओ कोई पर्सन है वो क्वालिटी चेक करके साइन कर रहा है सर साइन कर रहा है मतलब मैनुअल है बंदा साइन कर रहा है तो ये हमारा मैनुअल कंट्रोल हो गया मैं पहले कंट्रोल के बारे में समझा रहा हूं फिर कंट्रोल टेस्टिंग पे लेके जाऊंगा उसके बाद देखिए एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि तीनों तरह के कंट्रोल के मैं एक एक एग्जाम्पल ले लूंगा तीसरा आप लोग एग्जाम फॉर्म भरते हो सी का हाँ जी भरते हैं उस एग्जाम फॉर्म के अंदर आप अपना नाम लिखते हो नेम उसके अंदर ऑप्शन होता है क्या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है बेटा अगर मैं फर्स्ट नेम में लिख देता हूँ कपिल और लास्ट नेम मेरा ब्लैंक है और उसके बाद मैं उसे सबमिट करता हूँ तो क्या वो सबमिट हो जाएगा क्या वो सबमिट नहीं होगा एक एरर आएगा एरर क्या आएगा लास्ट नेम इज मिसिंग लास्ट नेम इज मिसिंग बताओ बेटा कौन सा कंट्रोल है बताओ बेटा कौन सा कंट्रोल है सर ये तो ऑटोमेटेड कंट्रोल है इसमें मैनुअल का कहीं कुछ लेना लेना देना ही नहीं है तो ये कौन सा कंट्रोल है जी दिस इज ऑटोमेटेड कंट्रोल तो इस वाली स्क्रीन पे मैंने आपको दो चीजें समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले तो हमें यह देखना होता है कि नेचर ऑफ कंट्रोल कौन सा है वो ऑटोमेटेड कंट्रोल है वो मैनुअल कंट्रोल है या ऑटोमेटेड विद मैनुअल कंट्रोल है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा सबसे पहले सर हम देखते हैं नेचर ऑफ कंट्रोल दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल क्या देखते हैं जी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल कि वो कंट्रोल डेली बेसिस पे लगता है यहां पे मैं लिख देता हूं क्या वो डेली है या वो वीकली है या वो मंथली है या वो क्वार्टरली है या ईयरली है तो आपने कंट्रोल का नेचर देखा कंट्रोल का फ्रीक्वेंसी देखा ये देखने के बाद आप क्या करेंगे यू विल रीड दी फॉर्म पॉलिसी ठीक फर्म पॉलिसी पॉलिस आपकी किताब में कहीं नहीं दिया हुआ है सी ए इंटर में भी फाइनल में भी इसलिए मैं इस तरह से लिखवा रहा हूं रीड दी फर्म पॉलिसी फर्म में मान लीजिए हो गई तो आपको KPMG की पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी जिसको आप क्या बोलते हो कैम बोलते हो कैम को आपको रीड करना पड़ेगा या EY में हो तो गैम को रीड करना पड़ेगा तो आप वो रीड करोगे तो वो फर्म पॉलिसी आपको बताएगी कि अगर आपका कंट्रोल मैनुअल है प्लस रेकरिंग है ंग मतलब डेली तो आप 25 फाइव सैंपल सेलेक्ट कर लो ये बेटा किसी कम किसी फर्म का 20 भी हो सकता है किसी का 30 भी हो सकता है उसके लिए हमें रीड करना पड़ेगा कि इस तरह का कंट्रोल है ये वाली ये बताओ कितने सैंपल सेलेक्ट करें अब आप जरा सोचकर बताना मुझे आराम से तसल्ली से ठंडे दिमाग से क्या कंट्रोल के जब मैं सैंपल सेलेक्ट करूंगा क्या अमाउंट मेरे लिए मैटर करेगा अमाउंट मैटर करेगा किस परपज के लिए फॉर कंट्रोल टेस्टिंग सोचकर बताओ क्या कंट्रोल टेस्टिंग के लिए अमाउंट मैटर करेगा ठीक है दो ही कलर यूज कर रहा हूं मैं तो दो कलर यूज करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि स्क्रीन पे कोई ज्यादा कलर दिख ही नहीं रहे बताओ क्या अमाउंट मैटर करता है कंट्रोल के लिए सोच कर बताना अगर किसी बंदे को साइन करने हैं तो वो साइन करने हैं गलत यहां पे आप सभी गलत हैं इसीलिए मैंने पूछा नो कंट्रोल में कभी भी अमाउंट मैटर नहीं करता बेटा क्यों ध्यान से सुनिएगा अगर मैं पांच हजार रुपए का सामान खरीदता हूं या मैं पचास हजार रुपए का सामान खरीदता हूं तो कंपनी ने कंट्रोल तो बना ही रखा होगा ना कि भैया अगर पांच हजार रुपए का सामान है तो भी अप्रूवल होगा पचास हजार का सामान है तो भी अप्रूवल होगा हाँ ऐसा हो सकता है कि पांच हजार के सामान के लिए फाइनेंस मैनेजर साइन करे पचास हजार के लिए सी एफ ओ करे लेकिन कंट्रोल तो होगा ही ना यार तो कंट्रोल के लिए अमाउंट कैसे मैटर हुआ कंट्रोल अगर है तो है कंट्रोल तो फॉलो होना ही चाहिए चाहे वो एक का ही सामान क्यों ना ख़रीदा हो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कंट्रोल के अंदर कभी भी अमाउंट मैटर नहीं करता कंट्रोल तो फॉलो होना ही चाहिए नो मैटर ऑफ अमाउंट कंट्रोल शुड बी फॉलोड इवन फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन बात समझ आती है कंट्रोल आपको फॉलो करना पड़ेगा इवन फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें कंट्रोल टेस्टिंग करनी है अब एक लाख ट्रांजेक्शन थी ना हमारे पास याद है आपको हमारे पास कितनी ट्रांजेक्शन थी बेटा ऊपर जब हमने एग्जांपल स्टार्ट किया तो एक लाख ट्रांजेक्शन थी अब एक लाख ट्रांजेक्शन में कंट्रोल फॉलो हुआ होगा जो भी कंपनी का पॉलिसी है जो भी कंपनी का प्रोसीजर है वो फॉलो हुआ होगा अब मैं तो एक लाख ट्रांजेक्शन के कंट्रोल चेक नहीं कर सकता तो मुझे कितने कंट्रोल चेक करने हैं उसके लिए कितने सैंपल मैं निकालू कंट्रोल टेस्टिंग के लिए उसके लिए मैंने पहले जाके क्या समझा कंट्रोल्स को समझा कि नेचर ऑफ कंट्रोल क्या है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है उसके बेस पे मैं कोई भी सैंपल सेलेक्ट कर लूंगा अब एक बात बताओ यहां पे आपने कहा कि ठीक है भैया 25 सैंपल सेलेक्ट कर लो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि भैया हमारा कंट्रोल मैनुअल है है पच्चीस सैंपल सेलेक्ट करने हैं अब पच्चीस सैंपल कहां से सेलेक्ट करूं जरा ये बता दो मैं इसी में आगे लेके जा रहा हूं 25 सैंपल मुझे सेलेक्ट करने हैं फॉर कंट्रोल टेस्टिंग कैसे हाउ टू सेलेक्ट सैंपल मेरा क्वेश्चन आ गया हाउ टू सेलेक्ट सैंपल फॉर कंट्रोल टेस्टिंग आपका एक एग्जाम एक, एक आपका आ जाएगा नेचर ऑफ कंट्रोल दूसरा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल चलो जी और बताओ अब बताओ ये एक ये आपने एक आंसर दे दिया ये आपने नेचर देख लिया फ्रीक्वेंसी देख लिया 25 सैंपल आपको पता चल गए अब बताओ आगे क्या करें हमारा पीरियड कौन सा है अप्रैल टू मार्च तो ये बताओ क्या सारे सैंपल अप्रैल में से खरीद सारे सैंपल अप्रैल में से निकालने हर मंथ में से निकालने होंगे सर वी विल सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम ऑल दी मंथ्स सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम ऑल दुएल्व मंथस ऑन देश ऑफ रैंडम सैंपलिंग अब ये रैंडम सैंपलिंग क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा रेंडम मतलब आप हर महीने में से टोटल आपको पच्चीस चाहिए हर महीने में से दो दो सैंपल सेलेक्ट कर लो क्यों सर आपने ऐसे ही क्यों सेलेक्ट कर लिए रेंडमली बिकॉज अमाउंट डज नॉट मैटर फॉर कंट्रोल टेस्टिंग भैया मैं जो भी कंट्रोल टेस्ट करूंगा उसमें कंट्रोल फॉलो होना चाहिए चाहे एक रुपए का सामान खरीदा हो चाहे एक लाख का खरीदा हो इसलिए अमाउंट मैटर नहीं करता कंट्रोल टेस्टिंग के लिए मैंने रेंडमली सैंपल सेलेक्ट कर लिए क्लियर है जी यहां तक फटाफट से बताओ क्या यहां तक आपको मेरी बात क्लियर है क्या देन विल मूव फर्दर जी सर क्लियर है तीसरी बात सर हमने 25 सैंपल सेलेक्ट कर लिए बारह महीने में से 25 सैंपल मेरे पास आ गए नाउ आई हैव डॉक्यूमेंट्स ऑफ 25 सैंपल्स नाउ आई हैव डॉक्यूमेंट्स ऑफ 25 सैंपल्स मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है 25 सैंपल के किसी में हजार रुपए की परचेज है किसी में दो हजार की परचेज है किसी में पचास हजार की परचेज है अब क्या करेंगे क्या करेंगे कंट्रोल की टेस्टिंग करेंगे कंट्रोल फॉलो हुआ या नहीं हुआ तो अब आप मुझे सोचकर बताओ डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए 25 सैंपल के डॉक्यूमेंट आप -फट आपके पास आ गए क्या देखेंगे हम जल्दी से बता दो क्या देखना पसंद करोगे सर हम ये देखेंगे क्या कंपनी ने कंट्रोल जो हमको समझाया था स्टेप वन पे जो कंट्रोल हम लोगों ने समझे थे अंडरस्टैंड किए थे क्या वो कंट्रोल एक्चुअली में इंप्लीमेंटेड है या नहीं है इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है अब ये इन पच्चीस से पता चलेगा अरे भैया आपने बोला था तीन लोग मिलकर कोटेशन को अप्रूव करते हैं जरा देखो उन तीन लोगों ने साइन कर रखे हैं क्या ये देखो कि उसके बाद पीओ साइन है क्या ये देखो उसके बाद क्वालिटी अप्रूव हुआ है क्या ये देखो फाइनेंस मैनेजर ने पेमेंट अप्रूव कर रखा है क्या मतलब जो भी कंट्रोल्स मैंने ऊपर समझे थे क्या वो सारे कंट्रोल फॉलो इंप्लीमेंटेड है क्या 25 के 25 सैंपल हमने सैंपल हमने देखे थे अप्रैल टू मार्च तो कंट्रोल इंप्लीमेंटेड भी है इसका मतलब अगर 25 के 25 सैंपल में मुझे सारे कंट्रोल मिल जाते हैं तो मैं बोल सकता हूं कंट्रोल कंटिन्यू भी है भाई कंट्रोल कंटिन्यू है ना पूरे साल मतलब कंपनी कंट्रोल्स को फॉलो कर रही है मेरे को कहीं भी कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं मिला कहीं भी मुझे ऐसा नहीं मिला कि कंट्रोल फेल हुआ हो सर अगर कंट्रोल फेल हुआ होगा तो क्या करेंगे बेटा ये सारी चर्चा हम बाद में में करेंगे डिटेल इंट्रोडक्शन लेक्चर है हम सब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे सर कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड भी है कॉन्टिन्यू भी काम कर रहा है और इफेक्टिव भी है इफेक्टिव एंड एफिशियंट भी है मतलब जिस तरह से वो रिस्क को मिटिगेट करना चाहिए था उस तरह से वो रिस्क को मिटिगेट भी कर रहा है आपने देखा कंट्रोल कंटिन्यू है इंप्लीमेंटेड है इफेक्टिव और एफिशिएंट भी है मतलब जिस तरह के उसको रिस्क मिटाने चाहिए थे उस तरह के वो रिस्क मिटा भी रहा है कोई दिक्कत नहीं है आपने ये कंट्रोल टेस्टिंग करी मतलब मैंने अभी देखो इन सब चीजों को है ना बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम आगे जाएंगे लेकिन अभी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी कंटिन्यूटी आपने चेक कर ली इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ जब मैंने कंट्रोल चेकिंग की तो मैंने देखा कि कंट्रोल मेरे इंप्लीमेंटेड हैं कंटिन्यू काम कर रहे हैं एफिशिएंट है इफेक्टिव है, है अब आप मुझे ये बताओ इससे फायदा क्या हुआ हमने इतनी मेहनत कर दी यहां पर मैं कितना घुमा फिरा के लेके आया हूं देखो आपको सर आपने पहले हमें कंट्रोल का ज्ञान दिया कंट्रोल का ज्ञान देने के बाद हमें फ्रीकुंसी और टाइमिंग समझाई उसके बाद आपने सैंपल निकलवाए सैंपल निकलवा के हमारे पास डॉक्यूमेंट आए और डॉक्यूमेंट के बाद हमने ये चेक किया कि कंट्रोल इंप्लीमेंटेड है कंटिन्यू है इफेक्टिव है एफिशिएंट है मैं अब वापस जा रहा हूं मेन पे यहां मैं लिख रहा हूं मूव टू स्टेप थ्री मूव टू स्टेप थ्री स्टेप थ्री हमारा ये रहा कंट्रोल टेस्टिंग कंट्रोल टेस्टिंग करने के बाद मैंने पूरा प्रोसेस आपको दूसरी जगह समझा दिया हमने क्या देखा हमने देखा कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड है कंट्रोल्स आपके कॉन्टिन्यू हैं इफेक्टिव हैं एफिशिएंट हैं बेसिक बातें की हमने ये चेक किया इससे फायदा क्या हुआ जी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी कॉन्टिन्यूटी बहुत बढ़िया इससे फायदा क्या हुआ अब इससे यह फायदा हुआ हमें एक कंफर्ट मिला कि जो एक लाख ट्रांजेक्शन ऊपर बुक हुई है ना उसमें सारे कंट्रोल्स फॉलो किए होंगे तो हमें कंफर्ट है उसके अंदर कोई भी फेक ट्रांजेक्शन या कोई भी गलत ट्रांजेक्शन नहीं होगी मानते हो मानते हो उसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होगा मानते हो बेटा उसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होगा हमने कंट्रोल टेस्टिंग करके इंप्लीमेंटेशन कॉन्टीन्यूटी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी पे कंफर्ट लिया है क्या लिया है कंफर्ट लिया है कंफर्ट लिया है कि भैया वहां पे रिस्क कम है कौन सा रिस्क कंट्रोल फेल होने वाला रिस्क जो कंट्रोल कंपनी ने लगा रखे है न, हैं ना वो कंट्रोल एक्चुअली में इंप्लीमेंटेड है वो एक्चुअली में कंटिन्यू काम कर रहे हैं इफेक्टिव है मतलब कंट्रोल फेल होने का रिस्क कौन सा रिस्क कंट्रोल फेल होने का रिस्क मैं हिंदी में लिख रहा हूं, होने का रिस्क बताओ कंट्रोल फेल होने का रिस्क कम है या ज्यादा है कंट्रोल टेस्टिंग के बाद बताओ कंट्रोल फेल होने का रिस्क कम है या ज्यादा है सर बड़ा कम है लो है क्योंकि आपने सारे कंट्रोल तो चेक कर लिए तो कंट्रोल फेल होने का रिस्क क्या है बेटा कम है जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कंट्रोल रिस्क ये सारी बातें मैं चैप्टर फोर में दोबारा डिस्कस करूंगा तो जो कंट्रोल रिस्क है वो क्या है लो है बात समझ आती है यहां तक कंट्रोल रिस्क कैसा है लो है क्यों क्योंकि हमने कंट्रोल टेस्टिंग की कंट्रोल टेस्टिंग करके मैंने इंप्लीमेंटेशन कंटिन्यूटी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी को चेक किया यहां तक आपको देखो मैंने तीन स्टेप समझाने की कोशिश की है स्टेप वन विल डू ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ We'll do a understanding of entity and environment. उसको हम देखते हैं दूसरे पे हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस किया प्रोसेस का देखेंगे उसके अंदर रिस्क देखेंगे कंट्रोल देखेंगे मैंने क्या कहा सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे स्टेप टू पे क्या सिर्फ अंडरस्टैंड करना काफी है नो no. इसका मतलब हम उसे चेक भी करेंगे चेक करने को क्या बोलते हैं कंट्रोल टेस्टिंग फिर मैं आपको पूरी एक नई चर्चा पे ले गया कि कंट्रोल टेस्टिंग कैसे करते हैं मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाया कंट्रोल टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हमें नेचर ऑफ कंट्रोल देखना होता है फ्रीक्वेंसी देखना होता है उसके बाद हम मैनुअल पढ़ेंगे मैनुअल पढ़कर हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे सैंपल सेलेक्ट करने के बाद मैं ये देखूंगा कि कंट्रोल जो क्लाइंट ने बोला था क्या वो एक्चुअली में इंप्लीमेंटेड है क्या क्या कंटिन्यू काम कर रहा है क्या क्या इफेक्टिव एफिशिएंट है क्या अगर हाँ यस yes, तो हम क्या हुए थे हम वापस हमारे स्टेप थ्री पे आ गए थे मूव टू स्टेप थ्री जो कि हमने क्या कंट्रोल टेस्टिंग कंट्रोल होने का फेल जो होने का रिस्क है वो कम है रिस्क कम है रिस्क कम है, है मतलब हमारे लिए एक अच्छी बात है कंफर्ट है हमें उन एक लाख ट्रांजेक्शन पे इसका फायदा क्या है भाई बताओ जरा कंट्रोल रिस्क कंट्रोल फेल होने का रिस्क कम है इसका फायदा क्या है बेनिफिट क्या है मैं थोड़ा उन बच्चों को भी कंसिडर कर रहा हूं जिनका थोड़ा नॉलेज कम है बेनिफिट क्या है ऑडिटर को कंफर्ट है उन उन कैसे लिखते हैं यार उन एक लाख ट्रांजेक्शन पर ये तो हो गया हिंदी वालों के लिए अब इंग्लिश वाले आ जाओ वट इज बेनिफिट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग ऑडिटर Have comfort over one lakh transaction. यहां तक बात समझ आती है मोर रिलायबिलिटी ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो या, यहां यहां तक बात समझ आती है नो में रिप्लाई कर दो अगर आपको यहां तक की मेरी बातें समझ आती है तो जी अब मैं एक टेक्निकल नाम बता रहा हूं जो हमने स्टेप टू पे प्रोसेस अंडरस्टैंड किया था जो हमने स्टेप टू पे प्रोसेस अंडरस्टैंड किया था उसके अंदर तीन चीजें अंडरस्टैंड की थी क्या क्या प्रोसेस रिस्क एंड कंट्रोल ये मैं बिल्कुल अलग तरीके से समझा रहा हूं रेगुलर क्लास से बिल्कुल कंपेयर ना करें प्रोसेस अंडरस्टैंड में हमने तीन चीजें देखी क्या हमने प्रोसेस समझा रिस्क समझा कंट्रोल समझा इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताया किसी बच्चे को क्या बोलते हैं इस अंडरस्टैंडिंग वाले स्टेप को भी एक नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है कोई बताएगा मुझे सर मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा अरे बताओ कोई भी बताओ इसको क्या नाम दिया गया है जो हम प्रोसेस अंडरस्टैंड करते हैं स्टेप टू पे इसको सर इसको बोलते हैं वोक थ्रू डब्ल्यू टी वॉक थ्रू क्या बोलते हैं वोक थ्रू बोलते हैं वोक थ्रू का मतलब क्या होता है मैं खड़ा होकर देखू आपको मैं दिख रहा हूं क्या वॉक थ्रू का मतलब क्या होता है आप बताना मैं कैमरा में सही से आ रहा हूं क्या

उसको एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक समझना इज ए वॉक थ्रू समझ आया वॉक थ्रू का मतलब वॉक थ्रू का मतलब ट्रांजेक्शन को उसके फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक समझना अब आप मुझे मैंने टेस्टिंग की है क्या इंटरव्यू क्वेश्चन क्या वॉक थ्रू के अंदर हमने टेस्टिंग की है क्या जल्दी बताओ क्या वॉक थ्रू के अंदर हमने टेस्टिंग की क्या जल्दी मैं देखो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा था अब आ गया इज्जत पे जल्दी बताओ क्या वॉक थ्रू के अंदर हमने टेस्टिंग की क्या आंसर इज नो सर वॉक थ्रू में ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंड किया था कल को कोई बिग फोर में पूछेगा बेटा बताओ वॉक थ्रू में क्या किया तो गलती से ही मत बोल देना सर हमने वॉक थ्रू में कंट्रोल टेस्टिंग की रिजेक्ट वॉक थ्रू में हमने कोई भी टेस्टिंग नहीं की वॉक थ्रू के अंदर हमने क्या किया वॉक थ्रू के अंदर हमने प्रोसेस को समझा प्रोसेस के अंदर रिस्क समझे और उन रिस्क को मिटाने वाले कंट्रोल को समझा समझना काफी नहीं है इसलिए हम गए स्टेप स्टेप नंबर पे थ्री के अंदर आपने क्या किया स्टेप थ्री के अंदर मैंने कंट्रोल टेस्टिंग की कंट्रोल टेस्टिंग कैसे की सर उसके लिए मैंने सबसे पहले समझा कि कंट्रोल का नेचर कैसा है कंट्रोल मैनुअल है या ऑटोमेटेड है या मैनुअल विद ऑटोमेटेड है देन ऑन द नेक्स्ट स्टेप

चाहे आप एक रुपए की ट्रांजेक्शन खरीदें या एक लाख की ट्रांजेक्शन खरीदें कंट्रोल फॉलो होना ही चाहिए इसलिए मेटीरियलिटी या अमाउंट डज नॉट इंपैक्ट डर कंट्रोल कंट्रोल तो फॉलो होना ही चाहिए इस तरह से हमने 12 महीने में से मैं मानता हूं 25 सैंपल हमने सेलेक्ट कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैंपलिंग और उसके बाद मैं उन सैंपल को सेलेक्ट करता हूं क्या उस उसके बाद में उस सैंपल को चेक करता हूं क्या चेक करोगे जी जरा बताओ

आपने देखा यार कंट्रोल मेरा कंटिन्यू भी है इफेक्टिव भी है एफिशिएंट भी है जिस तरह से क्लाइंट ने डिजाइन किया था मैं वर्ड एक डिजाइन एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूं जिस तरह से वॉक थ्रू के अंदर हमने कंट्रोल डिजाइनिंग देखा था वो उसी तरह से इंप्लीमेंटेड भी है तो इसका मतलब मुझे कंफर्ट मिलता है इस तरह से फील करो एक ऑडिटर को कंफर्ट मिलता है कि यार जो मुझे रिवेन्यू का नंबर चेक करना था जो रिवेन्यू नहीं सॉरी परचेज का ट्वेल्व थाउजेंड करोड़ का नंबर चेक करना था उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन हैं, वो ट्रांजेक्शन पूरी प्रोसेस के साथ आई है सभी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आई है उसके अंदर रिस्क कम है इसका मतलब मैं कम चेकिंग करके मैं 500 सैंपल जो मैंने 5 सैंपल ले रहे हैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 500 ही मैं पांच सौ सैंपल चेक कर लू अगर मैं उनमें से पांच सौ ट्रांजेक्शन में चेक कर लू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर की भैया वो नंबर ठीक है क्या अभी तो मैंने कंट्रोल टेस्टिंग की बात की की बात बात थी अब मैं नंबर कर रहा हूं अगर मैं सैंपल को चेक कर लूं और वो अगर मेरे सही निकल जाए तो मैं बोल सकता हूं कि क्लाइंट के एक लाख सैंपल भी सही है क्या इतनी बात आपको समझ आती है क्या इतनी बात आपको समझ आती है तो प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना इज माई वॉक थ्रू वॉक थ्रू इज इट सेल्फ नॉट विल

मैनेजमेंट का एक सिंगल सप्लायर है वो मैनेजमेंट को छोड़कर जा रहा छोड़ है तो इसका मतलब कंपनी लेवल पर रिस्क बहुत क्या हुए कंपनी लेवल के रिस्क हुए क्या हुए बेटा कंपनी लेवल के रिस्क हुए तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन इनहेरेंट रिस्क बोल सकते हैं अभी रिस्क क्या होता है सर ऐसा रिस्क ऐसा रिस्क जिसको मैनेजमेंट खत्म नहीं कर सकती जो किसी इंडस्ट्री किसी एनवायरमेंट किसी अकाउंट के नेचर में होता है उस रिस्क को बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क डिटेल में हम समझेंगे दोबारा एक ऐसा रिस्क जिसको कंपनी खत्म नहीं कर सकती भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, आप बिहार के अंदर दारू नहीं बेच सकते क्या इस रिस्क को कोई कंपनी खत्म कर सकती है क्या मेरा प्लांट बिहार में है लिखकर का नहीं कर सकता मेरे हाथ में ही नहीं है ये तो एक ऐसा रिस्क अभी बेसिक समझा रहा हूं डिटेल में जाएंगे एक ऐसा रिस्क जो जो किसी किसी अकाउंट के के नेचर में ही ही होता है जो किसी के अंदर ही है कंपनी अंदर जिसे आप खत्म नहीं कर सकते समझ सकते हो उस रिस्क को बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क तो स्टेप वन पे एक ऑडिटर ने किसको समझा सर एक ऑडिटर ने समझा इनहेरेंट रिस्क को स्टेप टू पे उसने कौन से रिस्क को समझा सर उसने समझा कंट्रोल रिस्क को किसको समझा बेटा स्टेप वन पे उसने समझा इनहेरेंट रिस्क को स्टेप टू पे उसको उसने समझा कंट्रोल रिस्क को लेकिन कंट्रोल रिस्क एक स्टेप में नहीं निकलता सर कंट्रोल रिस्क निकालने के लिए दो स्टेप लगाने पड़ते हैं सबसे पहले प्रोसेस अंडरस्टैंड करना पड़ता है जिसको बोलते हैं वॉक थ्रू उसके बाद हमें उस कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट इज कंट्रोल टेस्टिंग बात समझ आई मैंने आई समझा मैंने सी समझा बात समझ आती है क्या इतना बताओ जरा फटाफट से बात समझ आती है क्या फटाफट से बताओ सर जी समझ आ गई बात हमने समझ लिया आई आर और सी आर मैंने इनहेरेंट रिस्क समझ लिया क्लाइंट का मैंने कंट्रोल रिस्क समझ लिया उस एरिया का सर इनको समझने से फायदा क्या हुआ इवन कंट्रोल टेस्टिंग कर ली फायदा क्या हुआ है? बताओ भैया क्या फायदा हुआ अब एक नई चर्चा स्टार्ट करते हैं ये लो। बताओ बच्चे क्या फायदा हुआ ये लो जी बोलो जय श्री राम अगर समझ आ गया हो बोलो जय श्री राम अगर समझ आ गया हो तो हां अभी अभी यहां पे देखो फास्ट ट्रैक में दस दस एग्जाम्पल नहीं ले पाऊंगा मैं रेगुलर में तो हम दस पंद्रह बीस पचास सौ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे एक एग्जाम्पल एक से आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा नाउ स्टेप फोर देखो पहले मैंने कंसेप्ट समझाया आराम आराम से फिर रिविजन धुआंधार अब नेक्स्ट स्टेप तो आराम आराम से स्टेप फोर स्टेप फोर क्या हुआ हम भैया अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं आई आर की और हम वॉक थ्रू कर चुके हैं वॉक थ्रू के बेसिस पे टीओसी कर चुका हूं तो इसको मैं टीओसी बोल देता हूं ठीक है सॉरी कंट्रोल रिस्क ऐसे नहीं लिखना चाहिए इसे इसको ऐसे लिखना चाहिए कंट्रोल रिस्क हमने कैसे निकाला वॉक थ्रू किया फिर उसके बाद कंट्रोल की टेस्टिंग समझने से फायदा क्या होगा आपने आई और सीआर को समझा क्यों अरे भैया हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा सबसे पहले जो हमने चर्चा स्टार्ट की थी वो की थी कि परचेज का नंबर है बारह हजार करोड़ का हम कितना चेक करें इसको इसका सैंपल कैसे निकालें मैंने कहा ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है सबसे पहले तो मैनेजमेंट देखो कंपनी की उसके बाद इस एरिया को समझो कंट्रोल समझो मतलब अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं कि इस बारह हजार करोड़ के नंबर को कितना चेक करना है बात समझ आ रही है बारह हजार करोड़ के नंबर को बिल्कुल बढ़िया दीपक तिवारी ने आंसर दिया है स्टेप फोर आई और सी को समझने का फायदा क्या होगा जी और सीआर को समझने से हमें पता चलेगा कि इस एरिया का टेक्निकल भाषा लिखो भैया जरा बताए तो किसी को इस एरिया का नेचर टाइम एन एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इस एरिया का क्या पता चलेगा नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर प्रोसीजर मैं यहां पे लिखता हूं नेचर Time and extent of audit procedure of audit procedure.

नेचर टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कितना लगाऊं वो मुझे पता चलेगा अब मुझे बता सकते हो यहां पे नेचर का मतलब क्या है सोचकर नेचर का मतलब क्या है आप मुझे बता सकते हो नेचर का मतलब क्या है हां जी सर बता सकते हैं हम बहुत उमदा खेल रहे हैं सर आपके साथ सर यहां पे नेचर का मतलब है कि हम नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कौन सा लगाए नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है सर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का मतलब यह है क्या मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा टेस्ट ऑफ डिटेल करूं जिन बच्चों को टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं पता डोंट वरी घबराए ना क्या मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊं क्या मैं दोनों लगाऊं मुझे यह पता चलेगा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के अंदर क्या मैं टेस्ट ऑफ डिटेल करूं एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊं या दोनों लगाऊं मुझे यह पता चलेगा अच्छा जी बेटा फिर साथ साथ यही बताओ टाइम का मतलब यह है टाइम का मतलब क्या है टाइम का मतलब है यहां पे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं टाइम बेटा साल स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट अप्रैल टू को ठीक है जी और वो खत्म कब होता है 31 मार्च 2023 को हम ऑडिट कब करने आएंगे यहां से ये अप्रैल स्टार्ट हो गया हम अप्रैल और मान लीजिए मई एंड है ये हम अप्रैल और मई एंड में काम करेंगे लेकिन आप एक बात बताओ यहां पे मैं बोल रहा हूं दिसंबर 22 एंड हो गया इस पॉइंट पे तो जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्या किया जाता है जब दिसंबर ख़त्म होता है ना जो आखिरी के तीन महीने बचते हैं ये करंट ईयर के जिस साल का भी हमें ऑडिट करना है मतलब जो साल चल रहा है उसके तीन महीने बचे हुए हैं तो हमारी ऑडिट टीम यहीं पर आ जाती है ऑडिट टीम क्लाइंट प्लेस पर आ गई रिलायंस इंडस्ट्रीज में आ गई और वो आकर क्या कहती है वो कहती है कि भैया एक काम करो आपका 31 दिसंबर तो एंड हो गया आपका 31 दिसंबर तो एंड हो गया तो आप मुझे नाइन मंथ का डेटा प्रोवाइड कर दो नाइन मंथ का डेटा प्रोवाइड कर दो मैं अपना नाइन मंथ पे काम स्टार्ट करता हूं इकतीस दिसंबर पे काम स्टार्ट करता हूं मैं अपना जो भी मुझे वॉक थ्रू करना है जो भी मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है जो भी मेरे को नौ महीने का डेटा चेक करना है मैं यहां पे अपना वो कर लेता हूं इकतीस मार्च तक वो लोग क्या करते हैं इस नौ महीने के जो पीछे का ये नौ महीने का डेटा था ना इस पूरे डेटा की टेस्टिंग कर लेते हैं इकतीस मार्च तक इसको बोलते हैं इंटायरिम ऑडिट इसको बोलते हैं इंटेरिम ऑडिट फिर वो क्या करते हैं जब साल खत्म हो जाता है ना तो इस वाले तीन महीने के अंदर ये जो तीन महीने था ना इसके अंदर वो बैलेंस बैलेंस थ्री मंथ का डेटा चेक करते हैं ठीक है तो नौ महीने का हमने पहले चेक कर लिया तीन महीने का मैंने बाद में चेक कर लिया तो टोटल हमने ट्वेल्व मंथ का डेटा चेक कर लिया बेटा जी फाइनल ऑडिट ये है इसको हम क्या बोलते हैं फाइनल ऑडिट इसको क्या बोलते थे इंटेरिम ऑडिट तो मुझे ये भी देखना होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट क्लाइंट के हिसाब से मुझे यह भी देखना होता है कि मैं किस टाइम पर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा किस टाइम पर ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा टाइम ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अब कुछ बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं कि कितना टाइम लगाऊंगा कितना नहीं है ये किस टाइम पर लगाऊंगा एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम गलत मत समझना कुछ टीचर गलत समझा देते हैं कुछ बच्चे गलत समझ लेते हैं एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम मैं इंटेरिम पे लगाऊंगा मैं इयर एंड पे लगाऊंगा मैं इयर एंड के बाद लगाऊंगा एग्जाम्पल

क्या मेरा काम सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब होता है वाउचर को चेक करना अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब होता है वाउचर को चेक करना क्या मैं वाउचर चेक करके अपना काम कर सकता हूं क्या सर रिस्क बहुत ज्यादा है चलो भैया कोई बात नहीं वाउचर भी चेक करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगाएंगे किसी बच्चे को एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं पता कोई बात नहीं एक पूरा चैप्टर आएगा या भाई दोनों लगाएंगे किस टाइम पर लगाऊ मैंने आपको समझा दिया एक्सटेंट बताओ भैया क्या मतलब इसका हाउ मच या फिर बोले तो कितना कितना ऑडिट प्रोसीजर लगाना है भैया कम चेकिंग करनी है लेस चेकिंग या फिर मोर चेकिंग थोड़ा देसी जा रहा हूं मैं लेस चेकिंग या मोर चेकिंग बताओ कैसे डिसाइड करोगे रिस्क अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो यू विल टेस्ट लेस सैंपल और मोर सैंपल जरूर जल्दी बताओ सैंपल साइज एक बच्चे ने तो टेक्निकली लिख दिया लो भैया मैं भी लिख देता हूं बताओ सैंपल साइज आपका ये सैंपलिंग चैप्टर का है साइज आपका कब के अब ये एग्जांपल चलो भैया स्टार टू स्टार टू यहां पे मैं स्टार टू एक्सप्लेन करता हूं लो जी बताओ हाई रिस्क लो रिस्क बस अभी रिस्क के हिसाब से बात करेंगे बताओ हाई रिस्क में सैंपल साइज एक्सटेंट ठीक है या सैंपल साइज हाई रिस्क में ज्यादा होगा कम होगा सर ज्यादा होगा मोर हम ज्यादा चेकिंग करेंगे लो रिस्क के अंदर सैंपल साइज बेटा रिस्क कम है सैंपल साइज क्या होगा बताओ सैंपल साइज क्या रहेगा सर लेस रहेगा इतनी बात समझ आती है अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा सैंपल रहेंगे रिस्क कम है तो कम रहेंगे इसका मतलब अगर मैं इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क निकाल लेता हूं वोक थ्रू टीओसी करकर कर कर तो मुझे कहीं ना कहीं नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पता चलेगा मैं ये डिसाइड करूंगा जो अपने को परचेज चेक करनी है ना बारह हजार करोड़ की उस पर मैं कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाऊं कब लगाऊं कितना लगाऊं समझ आया दोबारा बोलो जो बारह हजार करोड़ का परचेज था ना अगर आप आई आर को समझते हो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क समझते हो तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना ऑडिट प्रोसीजर लगाऊ कितना लगाऊँ कम चेकिंग करूं ज्यादा करूं कब करूं इन पे करूं या ईयर एंड के बाद करूं और क्या था नेचर कैसे कैसे ऑडिट प्रोसीजर लगाऊं समझ आती है बात क्या इतनी बात आपको समझ आती है तो जो मैंने आई निकाला था जो मैंने आई निकाला था वो मेरे को हेल्प करता है टू डिटरमाइन नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स अभी मैं वो टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सर देखिए आईआरसीआर तो हेल्प करता ही करता है एंटी डिसाइड करने में एक चीज और है जो मुझे हेल्प करती है एंटी डिसाइड करने में बता सकते हो वो चीज मतलब स्टेप वन टू थ्री फोर से मेरे को पता चला नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एक चीज और है जो मुझे हेल्प करती है स्टेप फाइव जो मुझे हेल्प करती है ऑडिट प्रोसीजर का नेचर टाइम एंड एक्सटेंट डिसाइड करने के लिए बताओ कौन बताएगा ट इज माई मटीरियलिटी जो मैं एस सी थ्री ट्वेंटी में आपको पढ़ाऊंगा जिस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसी तरह से ऑडिट करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं मटीरियलिटी मुझे बताती है नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बात समझ आती है मटीरियलिटी मुझे बताती है कि मेरा नेचर टाइम एंड एक्सटेंट क्या रहेगा ऑडिट प्रोसीजर का अब देखिए मैं एक समराइज कर रहा हूं आपके लिए हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था अब मैं उसको एक डब्बे में डाल देता हूं सर हमारा क्वेश्चन था कि एक परचेज का नंबर था एक रिवीजन हो रहा है यहां पे ये रुपीज करोड़ का अब मैं आपसे पूछ सकता हूं इसका मुझे जानना है क्या नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कि मैं इसकी कितनी चेकिंग करूं कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाऊं किस टाइम कितना ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कितनी चेकिंग करूं को अपन नेचर टाइम एंड एक्सटेंट बोल सकते हैं आपने कहा जी नेचर टाइम एंड एक्सटेंट के लिए ना दो चीजें आप निकाल लो एक तो नेचर टाइम एंड एक्सटेंट आपको पता चलेगा इनहेरेंट रिस्क से जिसके लिए आपको एंटिटी को और उसके एनवायरमेंट को समझना पड़ेगा दूसरा कंट्रोल रिस्क कंट्रोल रिस्क के लिए आपको वॉक थ्रू करना पड़ेगा फिर उसके बाद टीओसी करनी पड़ेगी ये दोनों करने के बाद आपको आईआर पता चल गया सीआर पता चल गया जिसके बेस पे आपको नेचर टाइम एंड एंटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आप डिसाइड कर सकते हो दूसरा अब भाई आईआर से कैसे पता चलेगा भाई आईआर या तो कंपनी में आईआर क्या होगा बेटा लो होगा या मीडियम होगा या हाई होगा इसी तरह से या तो कंट्रोल रिस्क लो होगा या मीडियम होगा या हाई होगा मानते हो ना या तो रिस्क कम होगा या ज्यादा होगा इसी तरह से मैं क्या करूंगा मेटेरियलिटी निकालूंगा मेटेरियलिटी क्या होता है एक नंबर होता है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेटेरियलिटी पांच करोड़ हो सकता है तो पांच करोड़ मेरे लिए मटेरियल अमाउंट हो गया मटेरियलिटी कैसे निकलती है वो एक ऐसे थ्री ट्वेंटी आएगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे तो यहां पे मैं मान लू रिलायंस इंडस्ट्रीज की मटेरियलिटी आपके लिए चालीस लाख रुपए ले रहा हूं तो इसका मतलब जो हमारा परचेज़ का नंबर था बारह चालीस लाख नहीं सॉरी चालीस करोड़ ले लेते हैं चलो ये चालीस करोड़ रुपए तो बारह हज़ार करोड़ या जो भी नंबर था वो मेरे लिए मटेरियल है तो मैंने यहाँ दूसरे स्टेप पे क्या निकाली मटेरियलिटी निकाली ये भी मुझे हेल्प करती है एन टी डिसाइड करने के लिए एन टी नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए नंबर वन आई नंबर टू मटेरियलिटी यहां तक बात समझ आती है यहां तक बात समझ आती है सभी बच्चे येस और नो में आंसर लिखेंगे सिर्फ और जो ये आई आर और सी आर हमने निकाला है ना इन दोनों को जोड़कर एक नाम दिया गया है दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट रोमम रोमम इज आई आर एंड सी आर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट तो मैंने आपसे पूछा रोमम बता दीजिए परचेज का कितना है मैंने आपसे क्या पूछा रोमम बता दीजिए परचेज का कितना है रोमम ऑफ परचेज और मैंने आपसे पूछा मटेरियलिटी ऑफ परचेज आपने कहा रोमम जो है मान लीजिए अब ये इतना डिटेल में मत जाना कि सर एक मीडियम हुआ दूसरा हाई हुआ तो क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी आप मान लो मैंने इन दोनों के बेस पे दोनों के कॉम्बिनेशन से एक टेबल है वो चैप्टर फोर में हम डिस्कस करेंगे रोमम आ गया मीडियम और मटेरियलिटी जो परचेज की है वो मान लीजिए है चालीस करोड़ मेरे को ये दो चीजें पता चल जाती है रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ऑफ परचेज एंड मटेरियलिटी ऑफ परचेज यहां तक मुझे बात समझ आ जाती है एक मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं अगर किसी बच्चे को पानी वानी पी के आना है आराम से पी के आइएगा मैं कैमरा की बैटरी चेंज कर रहा हूं। गाइज इस बैटरी को आप इग्नोर कीजिए जो ब्लिंक कर रही है आई डोंट नो सेकेंड बैटरी चार्ज नहीं हुई और अभी चार्जिंग में मैंने लगाई है उसे दोबारा तब तक हम कंटिन्यू करते हैं और अगर इन केस बीच में मान लो मैं मेरी स्क्रीन गायब हो जाती है तो आप घबराइएगा नहीं दस पाँच मिनट का हमारा सेशन बचेगा वो कंटिन्यू कीजिएगा ठीक है अपन आराम आराम से पढ़ेंगे जल्दबाजी नहीं करेंगे अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे को ये डिसाइड करना था नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ परचेज कि मैं परचेज को कितना टेस्ट करूं बारह हज़ार करोड़ को जनरली मैं स्टार्ट यहां से करता हूं कि उसके लिए हमें रोमम चाहिए और मेटेरियलिटी चाहिए आज मैंने पूरा उल्टा स्टार्ट किया था पूरा उल्टा स्टार्ट किया था एक नए तरीके से कि जिन बच्चों को पता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए और फिर मेरे साथ साथ आए अब आप मुझे ये बताइएगा अब आपको मैंने रोमम बता दिया कि भैया रोमम परचेज का मीडियम है मेटेरियलिटी चालीस करोड़ है तो कैसे निकालें आप सैंपल अब अपन कैसे निकालें सैंपल हमारी ट्रांजेक्शन कितनी है याद है वो कहा ट्रांजेक्शन यहां पे कहीं था ना ऊपर मैंने लिखा था ये रहा ट्रांजेक्शन कितनी थी एक लाख नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी थी बेटा एक लाख नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी थी बेटा वन लाख। अब अपने को सैंपलिंग करनी थी अब मैं आ रहा हूं फ्लो में तो मैंने कहा सैंपलिंग करने के लिए दो चीजें चाहिए नंबर वन रोमम जिसको हम क्या बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अब इसका पूरा डिटेल चर्चा हम करके आ गए ठीक है दूसरा मैंने कहा हमें चाहिए होती है मटेरियलिटी ये दो चीजें अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हो कि मुझे कितने सैंपल निकलेंगे मेरे मैंने आपको दोनों बता दिया रिस्क ऑफ मटेरियल में मेट्रिय। स्टेटमेंट बता दिया मटेरियलिटी बता दिया अब क्या होता है इसके बाद क्या होता है एक आप बाद में जब नोट्स निकालेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहां पर क्या आएगा स्टेप सिक्स लिख लेता हूं मैं स्टेप फाइव था नहीं हाँ स्टेप सिक्स स्टार 4 अब क्या होगा बेटा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है सही बच्चे बताएंगे वन लैख और अमाउंट कितना है ट्वेल्व थाउजेंड करोड़ ट्वेल्व थाउजेंड करोड़ लेते हैं बारह हजार करोड़ अब एक लाख ट्रांजेक्शन के मुझे सैंपल निकालने हैं कैसे निकालू कैसे निकाले है? बताओ आइडिया अब आप काफी बच्चे बोल रहे हैं सर आइडिया देखो आप लोग बोल सकते हो सर रेंडम बेसिस पे निकाल लो अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं सभी बड़ी बड़ी फर्म्स में सॉफ्टवेयर होता है ठीक है बेटा सभी बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर होता है इस सॉफ्टवेयर को आप क्या करोगे ये एक लाख ट्रांजेक्शन वाला डेटा प्रोवाइड करोगे इसको क्या बोलते हैं डेटा या फिर इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन क्या बोलते हैं पॉपुलेशन पॉपुलेशन मतलब वो पूरी एक्सेल शीट जहां पे ये एक लाख ट्रांजेक्शन आ रही है वो सॉफ्टवेयर को हम ये डेटा प्रोवाइड करेंगे वो पॉपुलेशन हम उस सॉफ्टवेयर को दे देंगे एक सॉफ्टवेयर होगा जैसे के में बच्चे लिख रहे हैं आइडिया के के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या बोलते हैं आइडिया तो आप क्या करोगे आइडिया को ओपन करोगे आइडिया को ओपन किया उसके अंदर आपने नंबर वन क्या डाला डेटा पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे क्या डालोगे दूसरे नंबर पे आप उसको सॉफ्टवेयर को दोगे रोमा कि मेरा कितना रिस्क है उस परचेज का रोमम ऑफ परचेज तीसरे नंबर पे क्या दोगे तीसरे नंबर पे क्या दोगे बताओ सर हम उसे मटीरियलिटी भी देंगे मटीरियलिटी ऑफ परचेज और हम यह भी बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर भैया जी मतलब आइडिया को आप ये बोल सकते हो या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को आप ये बोल सकते हो कि यार मैं तुझे अगर ये तीन चीजें देता हूं मान लो आपने तीन चीजें दी और आपने उसको कर दिया ओके okay. प्रेस कर दिया ओके okay. और उसने आपको सैंपल निकाल के दिए टोटल फोर हंड्रेड कितने सैंपल दिए बेटा फोर हंड्रेड सैंपल उसने आपको दिए और कहा कि भैया इन सैंपल को आप क्या कर लो चेक कर लो अगर ये सैंपल सही है तो आप मान लो एक लाख ट्रांजेक्शन सही है ठीक है आपने कहा ठीक है जी लेकिन आपका दिल कर रहा है कि यार मैं इस बारे ना 400 हंड्रेड सैंपल चेक नहीं करूंगा मेरा मन है मैं कम से कम 600 हंड्रेड सैंपल तो चेक करूंगा ही करूंगा सॉफ्टवेयर कह रहा है जो डेटा आपने दिया है उस डेटा के हिसाब से मैं 400 सौ सैंपल दे रहा हूं लेकिन आपका मन कहता है नहीं यार मैं तो 600 सौ सैंपल मिनिमम चेक करूंगा तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर को आप बता सकते हो मिनिमम सैंपल भी कि आप कितने मिनिमम सैंपल चेक करना चाहते हो तो उससे क्या होगा अगर उसको चार सौ निकालने हैं ना ई तो वाई में रैंडम लगता है ठीक है अगर आपको 400 निकालने हैं तो वो 200 आपको और बढ़ा देगा मतलब 200 सैंपल और सेलेक्ट करेगा और आपको कितने सैंपल निकाल के देगा 600 सैंपल निकाल के देगा कहेगा लो जी अगर आपको मिनिमम 600 सौ सही है तो मैंने 600 सैंपल निकाल दिए अब आप इनको चेक कर लो क्या इतनी बात आपको समझ आती है मतलब हमने छः सैंपल निकाल लिए टेस्टिंग के लिए परचेज़ के क्या यहाँ तक बात समझ आती है अब हम उन 600 सैंपल को चेक करेंगे यस और नो में रिप्लाई करो एक बार फटाफट से यस और नो में एक बार रिप्लाई करो क्या आपको यहां तक बात समझ आती है क्या फटाफट से करो यार क्या आपको यहां तक बात समझ आती है कि 600 सैंपल हमने निकाल लिए यस सर सभी स्टूडेंट कह रहे हैं यहां तक हमें बात समझ आ गई अब मुझे ये बताओ क्या हम इसके आगे के स्टेप आपको बताना स्टार्ट करें या एक बार पहले पूरा रिवाइज करवा दें आगे के स्टेप अगली क्लास में देखोगे आप क्योंकि अभी एक घंटे का या आधे घंटे का चालीस मिनट का प्रोसेस और है तो आप मुझे ये बताओ क्या अभी हम आगे के स्टेप को डिस्कस कर लें जब तक ये कैमरा की बैटरी बंद होएगी अगली थोड़ी वो चार्ज हो जाएगी पता नहीं वो कैसे चार्ज नहीं हुई लगी तो ही है क्या हम आगे चलें या फिर पीछे का एक बार पूरा रिवाइज कर लें और आपको एक बार नोट डाउन करने का पूरा टाइम दे देते हैं मैं वोट डाल रहा हूं वोट पे आप बताना नेक्स्ट शुड वी कवर नेक्स्ट स्टेप should we cover next अरे यार कीबोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा should we cover next step now मतलब यस तब बोलना जब आप कह रहे हो कि सर इसी क्लास में करते हैं हम नो बोलना कि सर अगली क्लास में करेंगे अभी रिवीजन कर लेते हैं पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से एक बार कमेंट करो सभी स्टूडेंट फटाफट से फटाफट से सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कर दो हमने 600 सौ सैंपल निकाल लिए अब हमें उनको चेक करना है यहां से तकरीबन 40 मिनट का डिस्कशन है क्या वो अभी इसी क्लास में क्लास में में करें या नेक्स्ट अभी पूरा रिविजन कर लेते हैं चलो जी फटाफट से पोल पे कमेंट करो लो जी अब मैं एक बार इसका पूरा रिवाइज करवा रहा हूं अब मैं थोड़ा स्ट्रेट चलूंगा रिवीजन में स्ट्रेट चलेंगे लो जी आ गया मेरे पास सभी बच्चे जा रहे हैं अभी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं देखो जी हमने कहा आज की चर्चा हमने स्टार्ट की कि हमने फाइनेंशियल से एक एरिया उठाया जिसका नाम था परचेज जो कि बारह हज़ार करोड़ का नंबर था इस नंबर को कितना चेक करना है इसके लिए कितना सैंपल निकालें इस बारह हज़ार करोड़ में जो ट्रांजेक्शन है वो एक लाख ट्रांजेक्शन है अब इसमें से मैं कितनी ट्रांजेक्शन को सैंपल निकालूँ कितनी टेस्ट करूं इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं नंबर वन रिस्क ऑफ मटेरियल में नंबर टू मटेरियलिटी ये दो चीजें हमें निकालनी होती है रिस्क ऑफ मटेरियल मेटीरियल दो चीजों से मिलकर बनता है एक आई और एक सीआर ठीक है मैंने आपको बताया बारह हजार करोड़ का नंबर जो निकालना है ना इसके लिए आपको सबसे पहले एंटिटी को समझना पड़ेगा एनवायरमेंट को समझना पड़ेगा क्यों क्योंकि इससे मुझे आईआर पता चलता है इनहेरेंट रिस्क पता चलता है फिर मैंने आपको बताया कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा प्रोसेस में रिस्क समझने पड़ेंगे कंट्रोल समझने पड़ेंगे जिस स्टेप को हम क्या बोलते हैं वॉक थ्रू बोलते हैं वॉक थ्रू के अंदर जो हमने कंट्रोल समझे उसको टेस्ट करते हैं वो मुझे कंट्रोल रिस्क निकालने में हेल्प करता है कंट्रोल रिस्क निकालने के बाद मैं कंट्रोल की टेस्टिंग करता हूँ कितनी टेस्टिंग करनी है उसका पूरा एक डिटेल कंसेप्ट आता है कंट्रोल टेस्टिंग का जो कि मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर समझाया था कि कंट्रोल का नेचर देखोगे फ्रीक्वेंसी देखोगे फिर आप कंट्रोल टेस्ट करोगे कंट्रोल टेस्ट करने के बाद देखोगे कि कंट्रोल इंप्लीमेंटेड है कंटिन्यू है इफेक्टिव है एफिशिएंट है उसके बाद हम एंटी डिसाइड करेंगे नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर उसके लिए आपको मेटेरियलिटी भी चाहिए होती है और मेटेरियलिटी मिल गई तो सॉफ्टवेयर में हम पॉपुलेशन डालेंगे ये सारा डेटा डालेंगे मिनिमम सैंपल भी डाल देंगे और हम सैंपल निकाल लेंगे छः अब हमें 600 सैंपल चेक करने हैं उसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अभी आप ये फटाफट उतारना स्टार्ट करो ठीक है अब मैं आपको सही से तसल्ली से बता रहा हूं सबसे पहले क्या लिखना है देखो ये हमने बेसिक डिस्कशन किया था क्लास का तो ये आप ना भी लिखो तो चलेगा फ्लो ऑफ ऑडिट से आप उतारना स्टार्ट करो फ्लो ऑफ ऑडिट से आप लोगों को लिखना स्टार्ट करना है कमेंट में आप बता सकते हो अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे काम करो स्क्रीन ले लो स्क्रीन ले लो और आराम से तसली से नोटबुक में साफ साफ उतार लेना स्टेप वाइज तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फ्लो फॉर डिट डिस्कस किया ये सिग्निफिकेंट एरिया है परचेज का बारह हजार करोड़ का नंबर था तो ये आपके स्क्रीनशॉट में यहाँ तक आ गए होगी बातें स्क्रीनशॉट ले रहे हो लिख रहे हो बताओ जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या कर रहे हो ठीक है जी ये मेरा पहला पार्ट था ये वाला तो पहले स्क्रीनशॉट के अंदर आपके बारह हजार करोड़ के नंबर इन एंटिटी एनवायरमेंट और परचेज प्रोसेस वाली बातें आनी चाहिए ठीक है फिर उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये परचेज का प्रोसेस जिसमें प्रोसेस समझाया और आपको बताया कि अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं तो एक काम करो स्टेप वन टू फाइव का एक स्क्रीनशॉट ले लो हाँ यहां से इसका एक स्क्रीन ले लो फाइल भी शेयर कर दूंगा मैं कोशिश करूंगा फाइल शेयर करने की टेलीग्राम पे और ड्राइव पे भी शेयर कर दूंगा लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ये आपने स्टेप फाइव तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहां तक ठीक है और यहां तक अब मैं राइट right साइड का आगे दिखा रहा हूं पहले ये स्क्रीनशॉट लो आराम से फिर यहां तक का स्क्रीन आपने ले रखा है ये लो जी इसके आगे का स्क्रीन प्रोसेस का आराम से लो आई होप आपने ले लिया तो आपने ऊपर का स्टेप भी मैंने एक बार तसल्ली से पूरा ये दिखा दिया आपको ठीक है यहाँ से मैंने आपको फ्लो दिखा दिया था फ्लो के बाद प्रोसेस की बात की थी प्रोसेस का स्क्रीन आपने ले लिया ठीक है प्रोसेस का स्क्रीनशॉट ले लिया अब मैंने रिस्क लिखवाए थे अगर आपको ये रिस्क का स्क्रीनशॉट लेना है सिर्फ इन वाली बात की इसकी बात कर रहा हूं मैं एक बार इसको देख लो अच्छे से ये रिस्क अगर आप प्रोसेस के नीचे लिखना चाहें इसका स्क्रीन ले लो ले लिया जी फिर मैंने ही आपको बातें लिखवाई थी कि भैया ये वाली बातें यहां से अंडरस्टैंडिंग से ये वाला पार्ट तो एक बार ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लो यस यस इट विल बी ऑन यूट्यूब ठीक है अब मैं राइट वाले पोर्शन को दिखा रहा हूं जो कंट्रोल टेस्टिंग वाला पोर्शन था ये, लो जी। ये पूरा आ गया स्क्रीन पे ठीक है इसके नीचे भी कंटिन्यू कर रहा है ये ये सैंपल साइज इस वाले कंसेप्ट का है तो सैंपल साइज मत करना यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था अब इसके आगे का लो ये अब आपको बेसिकली ये वाले पोर्शन का स्क्रीन लेना है ठीक है हो गया? ये हमारा हो चुका था फिर मैंने स्टेप फोर में आपको बताया था नेचर टाइम एंड एक्सटेंट हमने डिसाइड किया था तो ये लो जी ये पूरा एक स्क्रीन पे आ गया स्टेप फोर आई आर सी आर वैभव फर्स्ट थ्री लेक्चर्स आएंगे बेटा ठीक है जी उसके बाद हमने ये चर्चा की थी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप स्टेप फाइव हम्म स्टेप सिक्स तो कल हम जो चर्चा स्टार्ट करेंगे वो स्टेप सिक्स से चर्चा हमारी स्टार्ट होगी कल हमारी जो चर्चा स्टार्ट होगी वो हम मान के चलेंगे कि हमने 600 सौ सैंपल को सेलेक्ट कर लिया है सिक्स स्टैंडर्ड सैंपल हमने सेलेक्ट कर लिए हैं ये मैं मान के चलूंगा कल हम इससे आगे पढ़ेंगे तो अब आप मुझे बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी ये पूरा टेलीग्राम पे डाल दो आप ये कह रहे हो मैं मैं कोशिश करता हूँ पूरे को टेलीग्राम पे डालने की बताओ जी आज की क्लास आपको कैसी लगी कारो 2020 पे आएगा ट्वेंटी यूट्यूब एक या दो दिन में आ जाएगा ये पीडीएफ चैट में शेयर कर दो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने की कोशिश करूंगा इस पीडीएफ को गिव मी वन टाइम आफ्टर क्लास मैं इसको निकाल के पूरे को मैं स्निपिंग टूल से ही इसकी पिक्चर लेके डालूंगा टेक्निकल लगी क्या ये बताओ टेक्निकल लगी क्या है, समझ आई देखो आज पहला दिन है स्टार्टिंग स्लो थी उसके बाद मैंने धीरे धीरे कंसेप्ट उठाया है आपके लिए हाई लेवल था बट ओसम सर देखिए मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपको आराम से बहुत अच्छी लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और ये तो फर्स्ट क्लास थे सिर्फ ये पहली क्लास थी और अभी हमने कंप्लीट नहीं किया हमारा फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में जा रहा है हमारा ये वाला लेक्चर भी अभी हमारे पास छ सैंपल निकले हैं क्लाइंट के अभी तो बहुत टेक्निकल बातें बाकी हैं चलो गाइस तो आपका देखिए मैं एक अब आप सब बच्चों जो भी स्टूडेंट अभी मेरे को लाइव देख रहा है वादा करके जाना जब ये क्लास क्लोज हो जाए यूट्यूब पे आ जाए तो मैं हर किसी का कमेंट देखना चाहूंगा इस वीडियो के नीचे मैं देखना चाहता हूं कि आपको ये कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट में जरूर लिखना आप कमेंट में जरूर लिखना कि आपको ये क्लास कैसी लगी लिखोगे क्या ज़रा बताओ क्या कमेंट में लिखोगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी बताओ मेरे यारों इस वीडियो को भी मैं बंद करूँगा बंद करने के बाद आई रियली वॉन्ट कि आप सभी लोग मैंशन करें कि ये क्लास आपको कैसी लगी ओके okay गाइज़ इसी के साथ बाय बाय टेक केयर कीप इंजॉइंग ऑडिट विद कपिल जय हिंद दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट कीजिएगा मैं वादा करता हूँ आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे ऑडिट में 60 70 मार्क्स आप मेरे साथ आराम से टारगेट कर सकते हैं और रेगुलर कोर्स के साथ आप 90 मार्क्स तक बहुत आराम से टारगेट कर सकते हैं आज का सेशन हम यहीं पे बंद करते हैं आज अगर हमारा कैमरा चल रहा होता तो आज अभी एक घंटे और हम पढ़ाई करते बट ड्यू टू कैमरा इश्यू वी आर क्लोजिंग आर सेशन राइट नाउ राइट हेयर मेरे को बहुत मज़ा आया एंड आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू लर्न और टू टीच यू ऑडिट आई होप आपको मज़ा आया हो आपने इन्जॉय किया हो सेशन को पूरा सेशन आप दोबारा देख लीजिएगा अगर आप नए हो ऑडिट के लिए और आपको काफ़ी डाउट रहे हैं कि ये कैसे क्या हुआ है थोड़ा टेक्निकल था बट विल विल रिपीट दी सेशन हम दोबारा दोबारा चर्चा करेंगे सभी चीज़ों की प्लीज़ इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद एक कमेंट जरूर कीजिएगा आपका कमेंट बहुत मोटिवेटिंग होता है और आपके कमेंट से बहुत हिम्मत मिलती है मेहनत करने के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर कीप इन्जॉइंग ऑडिट विद कपिल जय हिंद दोस्तों